दामोदर राती वरधन वेशे हरि निष्कुट वृंदा विपिनेशे दामोदर रती वरधन वेशे हरि निष्कुट वृंदा विपिनेशे राधे जय जय माधव धैते राधे जय जय माधव दैते वृषवानु दादी नवशशि लेखे ललिता सखी गुण रमित विशाखे वृषभानु दधी नवशशि लेखे ललिता सखी गुण रमित विशाखे राधे जय जय माधव दैते राधे जय जय माधव दैते करुणां कुरुमयी करुणा भरीते सनक सनातन वर्णित चरिते करुणां कुरुमयी करुणा भरीते सनक सनातन वर्णित चरिते राधे जय जय माधव दैते राधे जय जय माधव दैते जय राधा श्याम सुंदर राधा श्याम सुंदर राधे जय राधा पार्थ सारथी राधा पार्थ सारथी राधे जय गौरानिताय 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 जय गौरानिताय प्रभुपाद 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 जय प्रभुपाद जय ओम विश्वपाद परमहंस परिव्रजगाचार्य स्तोत्र षद श्री श्रीमद्वाइंग्रेस अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की जय अनंत कोटि वैश्यवृंद की जय नामाचार्य श्रील हरदास ठाकुर की जय प्रेम से कहो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवास आदि गौर भक्त वृंद की जय श्री श्री राधा कृष्ण गोप गोपीनाथ श्याम कुंड राधा कुंड गिरि गोवर्धन की जय गंगा मई की जय यमुना मई की जय वृंद देवी तुलसी महारानी की जय श्रीमती राधा रानी की जय बरसाना धाम की जय निताय गौर प्रेमानंदे ऑल ग्लोरी टू द असेंबल डिवोटीज हरे कृष्ण ऑल ग्लोरी टू द असेंबल डिवोटीज हरे कृष्ण ऑल ग्लोरी टू श्री गुरु
ओम अज्ञान तिम्रांधस्य ज्ञानांजनाशलाकया चक्षुर उन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति सपदांतिकं। वांछाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। तप्त कांचन गौरांगी, तप्त कांचन गौरांगी का मतलब है, अर्थ है मॉल्टन गोल्ड, तप्त कांचन गौरांगी और गौरवर्ण की हैं। तो तप्त कांचन गौरांगी श्रीमती राधा रानी है और तप्त कांचन गौरांग है गौरांग महाप्रभु है। तो आज राधाष्टमी का बहुत ही ये पवित्र दिन है और हम सब भक्तों के लिए, विशेष रूप से जो इस संप्रदाय में है श्री ब्रह्म मध्वा गौड़िया संप्रदाय के जो भक्त हैं उनके लिए बड़ा विशेष स्थान है, विशेष उत्सव है आज का दिन श्रीमती राधारानी का ये आविर्भाव। तो चेतन चरणात में एक जगह लिखा है, राधा पूर्ण शक्ति कृष्ण पूर्ण शक्तिमान दुई वस्तु भेद नाई शास्त्र प्रमाण। राधा पूर्ण शक्ति कृष्ण पूर्ण शक्तिमान, तो राधा रानी क्या है, पूर्ण शक्ति है और श्री कृष्ण भगवान श्री कृष्ण जो है पूर्ण शक्तिमान। ये पंखा बंद करो, पूर्ण शक्तिमान। दुई वस्तु भेद नाई शास्त्र प्रमाण, दुई वस्तु भेद नाई, दोनों में कोई भेद नहीं है, ये शास्त्र का प्रमाण है। दिस इज द एविडेंस बाय द रिवील्ड स्क्रिप्चर्स, यानी कि शास्त्र ये प्रमाण देते हैं कि दोनों में कोई भेद नहीं है। तो प्रश्न ये उठता है कि राधा और कृष्ण एक हैं या एक नहीं है। तो राधा और कृष्ण एक हैं फिर भी एक नहीं है। जिस तरह से परम भगवान श्री कृष्ण अपना विस्तार करते हैं बलराम जी के रूप में, संकर्षण के रूप में पुरुष अवतार, तीन पुरुष अवतार, तो इसी तरह से जिस तरह से परम भगवान अपना विस्तार करते हैं या फिर द्वारका में अपना विस्तार करते हैं या वैकुंठ में अपना विस्तार करते हैं, इस तरह समस्त ब्रह्मांड में, पूरे ब्रह्मांड में भगवान श्री कृष्ण अपना विस्तार करते हैं। लेकिन इसी तरह से श्रीमती राधारानी भी अपना विस्तार करती हैं। श्रीमती राधारानी वो भी अपना विस्तार करती हैं जिस तरह से भगवान श्री कृष्ण विस्तार करते हैं। उनके भी एक्सपेंशंस हैं, उनके भी अपने विस्तार हैं। जहाँ कहीं भी श्री कृष्ण हैं, जहाँ भी उनके विस्तार हैं, वहाँ भी श्रीमती राधारानी अपना विस्तार करती हैं। तो क्योंकि बिना शक्ति के शक्तिमान का कोई अर्थ ही नहीं होता है। सूर्य का दर्शन जब करते हैं तो साथ में सूर्य प्रकाश भी है। सूर्य के प्रकाश को सूर्य से अलग नहीं किया जा सकता है। श्रीमती राधारानी को कभी भी परम भगवान श्री कृष्ण से अलग नहीं किया जा सकता है, उनसे अलग नहीं किया जा सकता है। इसलिए चैतन्य चरितामृत में लिखा है आदि लीला में, अवतारी कृष्ण जाय छे कोरे अवतार अंशिनी राधा होते तीन गणेर विस्तार। तो यानी कि जितने भी कॉन्सोर्ट्स हैं भगवान के, अर्धांगनी है या उनके जो नित्य संगी हैं, द्वारका में महिषियां हैं, वैकुंठ में लक्ष्मियां हैं, ये सब राधारानी के विस्तार हैं। इस तरह से देखिए जिस तरह से परम भगवान श्री कृष्ण विस्तार कर रहे हैं, राधारानी भी अपना विस्तार कर रही हैं। तो इस दृष्टि से भी दोनों में कोई भेद नहीं है, दोनों में कोई भेद नहीं है।
लेकिन भेद क्या, अगर भेद पूछे कि भेद क्या है फिर, तो भेद यह है कि राधा रानी सेवक भगवान है और परम भगवान श्री कृष्ण क्या है, सेव्य भगवान है। जितने भी सेवक हैं, सर्विस जो रेंडर करते हैं, उन सब के कौन है स्रोत, कौन है श्रीमती राधा रानी। भले वो द्वारका में सेवा कर रही हो लक्ष्मियां, या वैकुंठ में द्वारका में महिषियां सेवा कर रही हो, या फिर वैकुंठ में लक्ष्मियां सेवा कर रही हो, भगवान की सेवा में लगी हो, ये सब की स्रोत कौन है, श्रीमती राधा रानी। मुस्लिम्स भी कहते हैं कि हमारे एक ही अल्लाह है, या जूस कहते हैं कि जुआ है, वो भी हमारे एक ही हैं। हमारे शास्त्रों में, सनातन धर्म में बहुत सारे भगवान हैं, बहुत सारे भगवान नहीं हैं, बहुत सारे देवी देवता हैं, भगवान के अपने विस्तार हैं, अंश विस्तार हैं, अंशांश विस्तार हैं। तो लेकिन फिर भी अगर कहा जाए कि हमारे धर्म में भी, यानी सनातन धर्म में भी जो वास्तविक धर्म है, उसमें भी भगवान एक नहीं है, दो भगवान है, दो भगवान है लेकिन फिर भी एक है। इसी को कहते हैं अचिंत भेदाभेद तत्व। सो वी हैव टू गॉड्स, क्योंकि यह भी भगवान की पूर्णता है, दिस इज ऑल्सो कंप्लीटनेस ऑफ द लॉर्ड। उनकी पूर्णता क्या है कि वो एक हैं लेकिन फिर भी दो हैं, यानी कि परम भगवान श्री कृष्ण एक हैं लेकिन जब दो होते हैं तो वो श्रीमती राधा रानी भी हैं। तो श्रीमती राधा रानी क्या है, फीमेल सर्विटर पर्सनैलिटी ऑफ गॉड है, ओरिजिनल फीमेल पर्सनैलिटी सर्विटर पर्सनैलिटी ऑफ गॉड श्रीमती राधा रानी। तो इसलिए हाईएस्ट एक्सप्रेशन है लव का, प्रेम का सबसे ऊंचा जो व्यक्तित्व है वो है श्रीमती राधा रानी, जो परम भगवान श्री कृष्ण को सबसे ज्यादा, सबसे अधिक प्रिय हैं। तो इसलिए इनको कभी अलग नहीं किया जा सकता है, इनको कभी अलग नहीं दिखाया जा सकता है, क्योंकि जहां जहां कृष्ण होंगे वहां पर श्रीमती राधा रानी होंगी। तो हमारे संप्रदाय में, विशेष रूप से इस गौड़िया संप्रदाय में, हम कृष्ण की सेवा कभी अकेले नहीं करते हैं, कृष्ण की सेवा हम कभी भी अकेले नहीं करते हैं। इसलिए हमारे पूर्ववर्ती आचार्य जैसे श्री विश्वनाथ जी ठाकुर, श्री बलदेव पाद विद्याभूषण, उनको भरपूर प्रयास करना पड़ा और अन्य वैष्णव संप्रदायों को ये प्रमाणित करना पड़ा कि कृष्ण की पूजा अकेले नहीं होती है, साथ में श्री राधा रानी की भी पूजा होती है। इसलिए हम देखते हैं गोविंद देव जी के विग्रह के साथ भी, यहाँ के मदन मोहन जी के विग्रह के साथ भी, आज से 500 वर्ष पूर्व महाराज प्रतापद्रु के सुपुत्र पुरुषोत्तम जाना ने ओडिशा से विग्रह भिजवाए थे गोविंद देव जी के लिए, मदन मोहन जी के लिए, साथ में राधा रानी का विग्रह भिजवाया था। तो कृष्ण की पूजा कभी अकेले हो ही नहीं सकती है, संभव ही नहीं है, ऐसी पूजा को कृष्ण स्वीकार नहीं करते हैं। हो सकता है कि लादनी शक्ति अव्यक्त हो, लेकिन हमेशा होती जरूर है। श्रील प्रभुपाद से एक बार चेन्नई में, मद्रास में किसी एक मेंबर ने, लाइफ मेंबर ने पूछा कि आपने दिल्ली में श्री श्री राधा पारसार्थी विग्रह स्थापित किया है 1972 में, श्रील प्रभुपाद ने किया दिल्ली में, तो कुरुक्षेत्र में तो राधा रानी है नहीं, तो पार्थ सारथी के साथ श्रीमती राधा रानी कहां से आ गई। तो प्रभुपाद ने क्या उत्तर दिया, प्रभुपाद ने कहा कि श्रीमती राधा रानी हमेशा होती हैं कृष्ण के साथ, और वहां कैसे होती हैं, अव्यक्त रूप में होती हैं। लादनी शक्ति यानी श्रीमती राधा रानी को कभी कृष्ण से अलग नहीं किया जा सकता। इसलिए श्री श्री राधा पार्थ सारथी श्रील प्रभुपाद जी के जो स्थापित है बिल्कुल प्रमाणिक है। तो इस तरह से ये समझना बहुत जरूरी है कि कृष्ण और श्रीमती राधा रानी में कोई भेद नहीं है। हाँ, दो भगवान हैं, फिर भी एक भगवान है, एक क्या है, सेवक भगवान है और एक सेवे भगवान है। तो इस तरह से कई सारी बातें समझने की हैं। श्रीमद् भागवत के प्रथम जो श्लोक है, श्रीमद् भागवत का जो प्रथम स्कंद है, प्रथम स्कंद के प्रथम श्लोक के प्रथम अध्याय में श्रीमती राधा रानी का वर्णन है। सामान्यतः हम श्रीमती राधा रानी के बारे में पढ़ते नहीं है, श्रीमद् भागवत के दशम स्कंद में जाकर भी वहां भी नाम देखने को नहीं मिलता है, प्रत्यक्ष रूप से नाम नहीं दिया गया श्रीमती राधा रानी का श्रीमद् भागवत में भी। लेकिन हमारे पूर्ववर्ती आचार्य जितने भी हैं, उन्होंने ये प्रमाणित किया है कि भागवत का जो प्रथम स्कंद है, प्रथम अध्याय है, प्रथम श्लोक है, जन्मादि यस्य यथोन्वयाद इतरतश्च अर्थेषु अभिज्ञा स्वराट
तेन ब्रह्म हृदय आदि कवये मुह्यन्ति यत् सूर्यया तेजवारी मृदाम यथा विनिमयोत्री सर्ग अमृषा धामना स्वयंना सदा निरस्त कुहुकम सत्यम परम धीमहि। ये क्या है? ये श्रीमद् भागवत का पहला श्लोक है। ये वेदांत सूत्र है जन्मादि यस्य अथ। वेदांत सूत्र है, 500 से अधिक सूत्र हैं और उसमें एक सूत्र है जन्मादि यस्य अथ, जानते हैं ना। तो जन्मादि यस्य अथ का मतलब क्या है कि परम भगवान श्री कृष्ण जिनको प्रणाम किया जा रहा है वेद व्यास जी के द्वारा, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, तो वेद व्यास जी बता रहे हैं कि वो आध्यात्मिक और भौतिक जगत के कारण है भगवान श्री कृष्ण। भागवत की शुरुआत प्रारंभ इसी से ही होता है, इसको स्वीकार करना पड़ेगा तभी श्रीमद् भागवत आप खोल सकते हैं, नहीं तो वापस जाओ भगवद गीता फिर से पढ़ो, क्योंकि भगवद गीता में इसी बात को प्रमाणित किया जा रहा है पूरे भगवद गीता में। तो ये जब अच्छी तरह समझ लेंगे, श्रीमद् भागवत खोलेंगे, श्रीमद् भागवत पहले श्लोक में ये मिलेगा, ओम नमो भगवते वासुदेवाय जन्मादि यस्य अथ। तो ये वेदांत सूत्र है, कई सूत्र जैसे अथातो ब्रह्म जिज्ञासा अनावृति शब्दात, तो ये कोड्स हैं वेदांत सूत्र। तो इसी तरह से जन्मादि यस्य अथ, जन्मादि अस्य यतः, यानी कि आध्यात्मिक और भौतिक जगत के कारण हम सर्वस्य प्रभो मत्तः सर्वं प्रवर्तते इति मत्वा भजन्ते माम बुद्धा बावा समन्विता। तो वो बुद्धिमान है व्यक्ति और वो बुद्धिमानी से भगवान का भजन कर रहा है जो ये जानता है कि भगवान श्री कृष्ण के आध्यात्मिक और भौतिक जगत के स्रोत हैं। श्रीजी गोस्वामी बताते हैं जिस ब्रह्म गायत्री का हम उच्चारण करते हैं उस ब्रह्म गायत्री में भी वास्तव में गौड़िया वैष्णव इस ब्रह्म गायत्री में भी राधा कृष्ण की ही आराधना कर रहे हैं, राधा कृष्ण को ही के ऊपर ही ध्यान लगा रहे। अग्नि पुराण से श्रील जी गोस्वामी ने प्रमाणित करते हुए कहा है कृष्ण देवस्य भर्गः शक्ति इति धीमहि। कृष्ण देवस्य भर्गः, कृष्ण देवस्य भर्गः का मतलब क्या है? कृष्ण परम भगवान श्री कृष्ण उनकी भर्गः यानी शक्ति ही, स्वरूप शक्ति के ऊपर मैं ध्यान लगाता हूं। तो वास्तव में श्रीमद् भागवत का प्रथम श्लोक या श्रीमद् भागवतम इसी गायत्री मंत्र का ही तात्पर्य है, सत्यम परम धीमहि। तो यानी कि स्वरूप शक्ति श्रीमती राधिका के ऊपर मैं ध्यान लगाता हूं, यानी कि जो कि परम भगवान श्री कृष्ण की शक्ति है, सत्यम परम धीमहि, या उस परम भगवान श्री कृष्ण के ऊपर मैं ध्यान लगाता हूं जो श्रीमती राधारानी की सेवा करते हैं। तो इस तरह से हमारे श्री लक्ष्मी गोस्वामी इस प्रकार से व्याख्या कर रहे हैं और बता रहे हैं कि जन्मादि यस्य यतः, जन्मादि यस्य यतः का मतलब क्या है? इसमें आदि शब्द आया हुआ है। तो एक और नाम है मधुर रस का, माधुरी रस का, आदि रस, आदि रस के नाम से भी जाना जाता है। तो आदि रस यानी श्रृंगार रस जो कृष्ण से प्राप्त होता है वो बिना राधारानी के संभव ही नहीं है। वृषभानु नंदन ईश्वरी राधारानी के बिना भगवान श्री कृष्ण इस आदि रस का आस्वादन कर ही नहीं सकते हैं। तो जन्मादि यस्य यतः यानी कि आदि रस के स्रोत भी कौन है? श्रीमती राधा रानी है। तो इस पहले शब्द की व्याख्या है इस प्रकार, अन्वय, अन्वय का मतलब मिलन, रास स्थली में मिलन, परम भगवान श्री कृष्ण जो हैं गोपियों से मिल रहे हैं, कहां पर? रास लीला में मिल रहे हैं, महारास में मिल रहे हैं, वंशी भट्ट में मिल रहे हैं। अलग अलग शास्त्रों में वर्णन है कितनी गोपियां थी वहां पर। हम विश्व की आबादी की गणना करते हैं तो पता चलता है कि 6.5 बिलियन पॉपुलेशन है हमारे इस पृथ्वी का, मनुष्य की संख्या, इतनी संख्या तो वहां रासलीला में थी कृष्ण के साथ 16 क्रोस, यानी कि उस 16 क्रोस के श्रीधाम वृंदावन में और वहां वंशी भट्ट में, वहां पर 3 बिलियन गोपीज थी। एक शास्त्र में इस तरह से वर्णन है 3 बिलियन गोपीज, और 3 बिलियन गोपीज अकेली थोड़ा खड़ी है, वहां पर 2 गोपियों के बीच में एक कृष्ण है, या ये भी बताया जाता है कि 1 गोपी के लिए 2 कृष्ण थे। और ऐसे में श्री कृष्ण रासलीला महारास कर रहे हैं गोपियों के साथ, तो कितने हो गए गोपियां, कितने हो गए कृष्ण, मिलाइए हो गया ना पॉपुलेशन पूरे वर्ल्ड का, पूरे विश्व की आबादी श्रीधाम वृंदावन में है लेकिन मेटीरियल कॉन्शियसनेस नहीं है। सच्चिदानंद विग्रह, ये धाम भगवान का धाम श्रीधाम वृंदावन या बरसाना धाम या ब्रजमंडल, ये चिन्मय धाम है, चिंतामणि धाम है। तो यहां पर भगवान श्री कृष्ण श्रीमती राधारानी के साथ महाकर से मिलन का स्थान है, राधा और कृष्ण के मिलन का स्थान है।
और कृष्ण अपना विस्तार कर रहे हैं, स्वयं प्रकाश उनका स्वयं प्रकाश है जो अन्य गोपियों के साथ अपना विस्तार कर रहे हैं। या ये भी बताया, वर्णन किया जाता है कि कृष्ण एक ही होते हैं वहां पर, वो इतना तेजी से घूमते हैं रासलीला में कि लगता है कि सभी गोपियों के साथ, ये उनकी रफ्तार है, उनका स्पीड है, इसका अंदाजा भी नहीं लगा सकते। तो लेकिन श्रीमती राधारानी के साथ कौन से कृष्ण है? स्वयं भगवान, कृष्णस्तु भगवान स्वयं, केवल श्रीमती राधारानी के साथ। तो ये वो मिलन का स्थान है, यानी कि अगर कृष्ण ही नहीं है, सॉरी श्रीमती राधारानी नहीं है उस महारास में, तो रासलीला, सारी की रासलीला क्या हो जाती है? भंग हो जाती है, रासलीला उसी समय बंद, क्योंकि राधारानी एक बार जो है थोड़ी सी दुखी सी हो गई, उनको लगा कि उनके ऊपर विशेष ध्यान नहीं दिया जा रहा है, क्योंकि और अन्य नई गोपियां भी आ गई, श्रुतिचारी गोपियां, दंडकानिक ऋषि, वो भी गोपियां बनी थी, तो इतनी सारी गोपियां आ गई, कोई विशेष, उनको लगा कि मुझे विशेष ध्यान नहीं दिया जा रहा है। तो फिर श्रीमती राधारानी जो हैं ऐसे में उस महाराज को छोड़ के चले। अब राधारानी चले गए तो फिर कृष्ण ने सोचा कि मैं यहां क्या कर रहा हूं इस रासलीला में। हमने कितना बताया, वहां पर 3 बिलियन गोपीज हैं, लेकिन श्रीमती राधारानी के जाने पर कृष्ण जो है उस रासलीला को छोड़ के चले जाते हैं राधारानी के पीछे पीछे। कहां चले गए राधारानी? तो ये राधारानी का सुपीरियर पोजिशन है, सुप्रीम पोजिशन है, और उस पोजिशन को कोई रिप्लेस नहीं कर सकता। जैसे हमारे संस्थापक आचार्य श्रील प्रभुपाद जी इस संस्था में, उनका पोजीशन यूनिक है, उनका स्थान कोई नहीं ले सकता है, यानी कि इस व्यासासन में और कोई नहीं बैठ सकता क्योंकि ये श्रील प्रभुपाद जी का स्थान है। इसी तरह से श्रीमती राधारानी का स्थान कोई नहीं ले सकता है, कोई भी नहीं ले सकता है। तो इसलिए ये स्थान बड़ा, इसलिए श्रीमद् भागवत में सीधे नहीं बल्कि अप्रत्यक्ष रूप में ये वर्णन आता है। श्रीमद् भागवत के 10वें स्कंद के 30वें अध्याय के 28वें श्लोक में, अन्य आराधिता नूनम भगवान हरिर ईश्वर यन्नो विहाय गोविंद प्रीतो यम अन्य द्रह, कि ये बता रहे हैं कि परम भगवान कृष्ण की सेवा यानी गोविंद की सेवा इस गोपी ने ऐसी की है, ये जो गोपी है बड़ी विशेष है, यानी शक्तिशाली श्री कृष्ण, भगवान श्री कृष्ण गोविंद की ऐसी सेवा की, ऐसी सेवा की है इसने, कि वो इतने प्रसन्न हुए हैं इस गोपी से कि उन्होंने इस गोपी के लिए हम सबको निष्कासित कर दिया है। कोई बहुत बड़ी विशेषता तो है इस गोपी में, बहुत बड़ी विशेषता है। इसलिए एक बार ऐसा भी हुआ कि कृष्ण राधारानी को लेकर चल दिए और इसी रासलीला से लेकर चल दिए, अपने पीठ पे लेकर चल दिए, तो राधारानी को विचार आया कि मैं कितनी विशेष, मुझे कृष्ण जो है अकेले लेकर आए हैं इस वृंदावन में वन के भीतर। तो कृष्ण एकदम से ओझल हो गए और राधारानी वो अकेले खड़ी रह गई। तो गोपियां ढूंढ रही हैं, राधारानी भी ढूंढ रही हैं कृष्ण को। तो फिर गोपियां वहां पर, ये जो लीला हुई पेठा नाम के गांव में हुआ ब्रज में, तो जब वहां पहुंचे, जब उस एक कुंज में पहुंचे, तो गोपियों ने जब देखा कि वहां पर लगता है खड़े हैं कृष्ण, खड़े हैं, तो भगवान ने क्या किया, उनकी परीक्षा लेने के लिए चतुर्भुज रूप धारण कर लिया। भगवान विष्णु नहीं, कृष्ण चतुर्भुज रूप में वहां के खड़े हो गए। ये वर्णन शिल रूप गोस्वामी कर रहे हैं ललित माधव में। तो कृष्ण चतुर्भुज रूप में प्रकट हो गए और गोपियां आती हैं और पूछती हैं, आप स्वामी हैं, परमेश्वर हैं, सबके पालक हैं, सर्वज्ञ हैं, सर्वशक्तिमान हैं, तो इस तरह से स्तुति करने लगे। कृष्ण ने सोचा कि ये लोग जो हैं समझ गए हैं, लेकिन फिर गोपियां कहती हैं कि हमारी ये प्रार्थना है, हम जानना चाहते हैं कि आपने कृष्ण को कहीं देखा तो बताइए, कृष्ण कहाँ मिलेंगे। तो ये आकर्षण है भक्तों का श्री कृष्ण के प्रति। गोपियों का क्या कहना, प्रारंभिक अवस्था में भी एक बार जो कृष्ण भक्त बने लगता है वो और किसी रूप का दर्शन नहीं करना चाहता। माम एकम शरणम ब्रज मन मना भव मत भक्तो मद्याजी माम नमस्कुरु, भगवान गीता में बता रहे हैं मुझे मन लगाओ, केवल मेरी शरण में आओ। तो ये कैवल्य भक्ति, कैवल्य भक्ति यानी कि अनुकूल कृष्णानुशीलन भक्ति रुतमा, शिल रूप गोस्वामी पाद जी कह रहे हैं, अन्य अभिलाषिता शून्यम ज्ञान कर्मादि अनावृतम अनुकूल कृष्णानुशीलन भक्ति रुतमा। तो बिल्कुल केवल भक्ति, सिंगल पॉइंटेड एकदम डिवोशन,
श्री कृष्ण के लिए, परम भगवान श्री कृष्ण के लिए। तो फिर वो लोग वहां से चले गए और उसके बाद फिर राधाणी वहां पहुंची। राधाणी जब पहुंची तो फिर से चतुर्भुज रूप में निकले और चतुर्भुज रूप में जब निकले तो लेकिन राधाणी को देखते ही, उनके भाव वेश को देखते हुए, उनके प्रेम को देखते ही वो दो हाथ गायब हो गए। कृष्ण के दो हाथ गायब हो गए और दो हाथ ही रह गए और तुरंत ही श्याम सुंदर त्रिभंग रूप में वेणी बंशी बजाते हुए उनके सामने, राधाणी के सामने खड़े हो गए। तो ये है वास्तव में श्रीमती राधाणी, यानी कि उनकी प्रेम की प्रबलता इतनी है कि कृष्ण जो है कोई नाटक नहीं कर सकते राधाणी के सामने। इसलिए श्री चैतन्य महाप्रभु जब उनको जगन्नाथ जी का दर्शन नहीं प्राप्त हुआ तो बहुत तेजी से अलारनाथ की तरफ भागे। 15 दिनों में जब जगन्नाथ जी का दर्शन बंद रहता है तो श्री चैतन्य महाप्रभु से रहा नहीं गया और चैतन्य महाप्रभु बड़ी तेजी से भागे अलारनाथ में और अलारनाथ में अलारनाथ का दर्शन किया और दर्शन करते ही मूर्छित हो गए। तो ये वही लीला है। तो अलारनाथ जो जगन्नाथपुरी में है वो भगवान विष्णु का मंदिर नहीं है। श्रील भक्ति सिद्धांत श्री ठाकुर कहते हैं कि ये वही कृष्ण है जिनका दर्शन प्राप्त किया था गोपियों ने पेठा में। ये अलारनाथ भगवान विष्णु नहीं है, ये साक्षात श्री कृष्ण है जो गोपियों के समक्ष या श्रीमती राधाणी के समक्ष खड़े हुए थे चतुर्भुज रूप में। तो ये बहुत महत्वपूर्ण बात है हमारे इस गौड़ीय संप्रदाय में, क्योंकि श्रील भक्ति सिद्धांत श्री ठाकुर कहते हैं जो विष्णु के भक्त हैं उनको वैष्णव कहते हैं, जो कृष्ण के भक्त हैं उनको कार्ष्णेय कहते हैं और जो राधाणी के भक्त हैं उनको गौड़िया कहते हैं। तो हमारा जो झुकाव विशेष रूप से श्रीमती राधाणी की ओर है, इस बात को हमें अच्छी तरह से समझ लेना चाहिए। इसलिए प्रभुपाद भी कहते हैं अगर राधाराणी रिकमेंड कर दें, बोल दें कि ये जानती हूं मैं कि मूर्ख है, अयोग्य है, लेकिन आप इसको कृपा करके स्वीकार कर लीजिए, तो प्रभुपाद कहते हैं कि फिर कृष्ण को स्वीकार करना ही पड़ेगा कितने भी अयोग्य हों। तो इस तरह से पूरा ब्रह्मांड जो है कृष्ण की आराधना पूजा करता है लेकिन स्वयं परम भगवान श्री कृष्ण जो है राधाराणी की सेवा करते हैं। इसलिए गीत गोविंद में भी हम देखते हैं श्री जयदेव गोस्वामी वर्णन कर रहे हैं किस तरह से जयदेव गोस्वामी जब गीत गोविंद की रचना कर रहे थे चांपाहाटी में और को लीला स्फूर्ति हुई गीत गोविंद लिखते हुए, विशेष रूप से जब वो गीत गोविंद के दशम सर्ग में पहुंचे और दशम स्तर में पहुंचे तो क्या लीला स्फूर्ति हुई उनको कि राधाणी मान प्रकट कर रही हैं और कृष्ण राधाणी को मनाना चाह रहे हैं लेकिन राधाणी का मान भंग ही नहीं हो रहा है। तो कृष्ण बहुत दुखी हो गए, क्या करूं मैं, सोचने पड़ गए। तो फिर राधाणी का मान जब भंग हो ही नहीं रहा था तो कृष्ण सोचा कि एक ही बस उपाय रह गया है, क्या करना चाहिए, मुझे इनके चरण लेकर अपने मस्तक में धारण कर लेने चाहिए। तो ऐसा सोच ही रहे थे जयदेव गोस्वामी, उन्होंने पहली पंक्ति लिख दी, पहला श्लोक का पहला लाइन लिख दिया स्मर गरल खंडनम। तो उसके बाद उन्होंने सोचा रे क्या ये मैं क्या कर रहा हूं। परम भगवान श्री कृष्ण जो त्रिभुवन के स्वामी हैं, आध्यात्मिक भौतिक जगत के भी कारण हैं, कैसे संभव हो सकता है कि श्रीमती राधाणी के चरणों को अपने मस्तक में धारण कर लेंगे। नहीं नहीं ये क्या गलत रहा हूं, मैं बहुत बड़ा अपराध कर रहा हूं। उनके हाथ कांपने लगे और जयदेव गोस्वामी के सोचकर फिर वो गंगा जी में चले गए स्नान करने के लिए। गंगा जी में जब स्नान करने के लिए गए तो परम भगवान श्री कृष्ण उस उनके लेख को प्रमाणित करने के लिए जयदेव गोस्वामी के रूप में आए वेश बदलकर। जयदेव गोस्वामी डिस्गाइज में, कृष्ण डिस्गाइज में आए जयदेव गोस्वामी के ऊपर और पद्मावती ने उनको खूब सुंदर खूब स्वादिष्ट प्रसाद भी परोसा। उनको नहीं पता था कि ये कृष्ण है और जयदेव गोस्वामी भीतर गए, यानी कि कृष्ण भीतर गए और वहां देखा, उन्होंने कलम उठाया स्मरक खंडनम मम शीर्षि मंडनम देही पद पल्लवम उदारम। तो जय भगवान श्री कृष्ण ने उस श्लोक का पूरा कर दिया सुनहरे अक्षरों में, बिल्कुल प्रिंट कर दिया वहां पे गोल्डन लेटर्स में और उसके बाद वहां से चले गए। फिर जयदेव गोस्वामी आए, उन्होंने कहा पद्मावती आपने प्रसाद ले लिया, ये कैसे संभव है, ये कभी हो ही नहीं सकता है कि जयदेव गोस्वामी के वापस आने से पहले ही पद्मावती पहले से प्रसाद ले लें। आजकल तो होता है लेकिन वैसा नहीं होता था, प्राचीन समय में नहीं होता था। तो जयदेव गोस्वामी उन्होंने कहा सोच पड़ गए कि क्या क्या कारण है। जयदेव गोस्वामी भीतर गए, क्या गड़बड़ है देखूं जरा अंदर क्या हो रहा है। भीतर जाके गए और उन्होंने अपने देखा गीत गोविंद जो लिख रहे थे वहां जाके देखा तो वहां वो लिख रहे हैं स्मरा कर खंडनम। उसके बाद आगे का लाइन भी देखा मम शीर्षि मंडनम देही पद पल्लवम उदारम। अरे बाप रे ये तो किसे लिख दिया ये,
यही तो मैंने सोचा था। और ये श्लोक पूरा किसने किया? स्वरगरल खंडनम, यानी कि आपके पद पल्लव बड़े उदार हैं। देही पद पल्लवम उदारम, श्रीमती राधाणी को बोले हे राधे आपके जो चरण कमल हैं बड़े उदार हैं। इस क्या किया इस पल्लव पल्लव ने क्या किया है? मेरे कामजन्य गरल का खंडन किया है। अब मैं इस चरण कमल को अपने मस्तक पर धारण करके मस्तक को सुशोभित करता हूं, अलंकृत करता हूं। तो ये वास्तव में कृष्ण भगवान कृष्ण जो है ये बताना चाह रहे हैं जयदेव गोस्वामी के, जो आपने सोचा है बिल्कुल ठीक सोचा है, एग्जैक्टली ऐसा है जिस तरह से आपने लीला स्फूर्ति हुई है आपको। तो हमारे जितने भी पूर्ववर्ती आचार्य हैं, श्रील प्रभुपाद जी, उनके जो पूर्ववर्ती आचार्य हैं, इन सब ने जो ग्रंथों की रचना की है, ये कोई मेंटल स्पेकुलेशन नहीं है, ये स्वयं कृष्ण के द्वारा उनको बताया गया है। स्वयं जैसे कि कृष्णदास कविराज गोस्वामी बोलते हैं कि साक्षात मदन मोहन जी ने मुझे लिखवाया है ये श्री चैतन्य चरितामृत, या प्रभुपाद जी कहते हैं कि दिस बुक्स आर नॉट रिटन बाई मी, कृष्णा हैज रिटन दीज बुक्स। तो ये फैक्ट है। तो इस तरह से जयदेव गोस्वामी इस लीला का स्मरण कर रहे हैं और लीला की इस तरह से उनको स्फूर्ति हुई और स्वयं भगवान कृष्ण ने ये प्रमाणित किया कि जयदेव गोस्वामी जो सोच रहे हैं बिल्कुल सही सोच रहे हैं। तो आज श्रीमती राधाणी का आविर्भाव का दिवस है। बहुत सारी कथाएं आविर्भाव के बारे में, कुछ कथाएं जो है वो गर्ग संहिता में भी है और कुछ कथा है जो कि भक्ति रत्नाकर में दी हुई है नरहरि चक्रवर्ती ठाकुर के द्वारा, और एक कथा श्री रूप गोस्वामी पाद जी के द्वारा दी गई है ललित माधव में। तो तीन चार कथाएं वो सारी सुनाएंगे आपको थोड़े संक्षेप में। तो श्री रूप गोस्वामी पाद जी ललित माधव में क्या कह रहे हैं? ललित माधव ऐसा ग्रंथ है, वास्तव में सत्य भामा जी ने श्री रूप गोस्वामी को आदेश दिया था, उन्होंने कहा कि आप इन वृंदावन और द्वारका की लीलाओं को एक ही ग्रंथ में मत लिखिएगा, इनको अलग अलग ग्रंथों में लिखिए। लेकिन श्रील रूप गोस्वामी की दक्षता तो देखिए, ललित माधव जिसमें द्वारका की लीलाएं हैं उसमें भी उन्होंने वृंदावन को नहीं छोड़ा, क्योंकि ऐसे जो भरज के परिकर हैं रूप गोस्वामी की तरह, वो कभी भी अपनी चेतना से राधा कृष्ण को कभी नहीं निकाल सकते। तो रूप गोस्वामी पाद जी ललित माधव बहुत सुंदर वर्णन कर रहे हैं श्रीमती राधारानी के आविर्भाव का। इस कल्प में, यानी कि पिछले द्वापर युग में जो द्वापर युग गया, इसमें श्रीमती राधारानी का आविर्भाव रावल में हुआ। रावल भक्ति रत्नाकर में लिख रहे हैं नरहरि चक्रवर्ती ठाकुर लिख रहे हैं कि रावल 9 किलोमीटर दूर है दक्षिण मथुरा से, यमुना जी को पार करके गोकुल और मथुरा के बीच में रावल नाम का एक गांव है। और गांव में एक बार महाराज विश्वभानु यमुना जी में स्नान करने के लिए गए। यमुना जी में जब स्नान करने के लिए गए तो एक बहुत बड़ा लोटस, गोल्डन लोटस फ्लावर देखा है? किसी ने नहीं देखा होगा। सहस्र दल और बहुत सुंदर, बहुत विशाल, और उसके बीचों बीच उसके कर्णिकार में, यानी कि वोल में, बीचों बीच श्रीमती राधारानी एक बच्ची के रूप में वहां विराजमान थी। तो विश्व भानु महाराज गए, उस बच्ची को उठाया और उनको अपने घर लेके आए बरसाना धाम। तो ब्रह्मा जी ने फिर दर्शन दिया था, ब्रह्मा जी ने उनको बोला कि पिछले जन्मों में आपने बहुत तपस्या की, आपने और कीर्तिदा ने बहुत तपस्या की, उसी का परिणाम है कि श्रीमती राधारानी आपके समक्ष प्रकट हुई हैं। तो इस तरह से कथा नरहरि चक्रवर्ती ठाकुर बता रहे हैं भक्ति रत्नाकर में। रूप गोस्वामी का वर्णन थोड़ा सा अलग है। रूप गोस्वामी बता रहे हैं कि एक बार विंध्या पर्वत आपने जानते हैं विंध्या हिल्स, तो विंध्या पर्वत ये सब स्वरूप में है, उनका सबका स्वरूप है, विंध्या, हिमालय, इन सब का अपना स्वरूप भी है, अपना जो है पर्सनालिटी भी है। तो विंध्या पर्वत जो है, एक बार उनको बड़ा द्वेष हुआ हिमालय से। आप जानते हैं कि प्रजापति दक्ष से दुखी होकर उनकी सुपुत्री सती जी ने अपना देह का परित्याग कर दिया था, और क्योंकि उन्होंने शिव जी के चरणों में अपराध किया था, तो इस वजह से उन्होंने अपने देह का त्याग कर दिया था, और अगले जन्म में वो हिमालय की पुत्री के रूप में प्रकट हुई, यानी कि पार्वती जी के नाम से। और उस जन्म में भी, दूसरे जन्म में भी उनके पति बने महादेव शिव जी। तो बहुत सुंदर थी पार्वती से सुंदर तो कोई भी नहीं है इस पूरे ब्रह्मांड में। ये फिर स्वर्लोक की अप्सराएं किया और फिर इस पृथ्वी में मिस यूनिवर्स किया जिसको कोई देखता भी नहीं है कुछ वर्षों के बाद। लेकिन ये जो पार्वती जी हैं,
ये इतनी ज्यादा सुंदर है, इतनी ज्यादा सुंदर है कि हम सबको भी वशीभूत करके रखा हुआ है उन्होंने। माया तो माया बहुत सुंदर है पार्वती जी तो, लेकिन जो विंध्या जो था वो बड़ा द्वेष कर रहा था। उसने कहा कि मेरी भी एक बेटी होनी चाहिए जो इससे भी सुंदर हो और जिसका पति महादेव का युद्ध में परास्त करे। ये क्या बात है कि ऐसी बात संभव ही नहीं है? संभव है? बिल्कुल संभव नहीं है। तो विंध्या पर्वत ने कठोर तपस्या की। जनरली इस तरह की इच्छाओं के लिए जनरली लोग ब्रह्मा जी शिव जी से पूजा करते हैं, उनकी आराधना करते हैं। उनको पता है कि कृष्ण ये सब नहीं देने वाले, इस तरह के सस्ता काम नहीं करेंगे। तो फिर विंध्या पर्वत ब्रह्मा जी से आए, ब्रह्मा जी से प्रार्थना करने लगे। बहुत कठोर तपस्या में लगे विंध्या। कई वर्षों की तपस्या के बाद ब्रह्मा जी उनके समक्ष प्रकट हुए। ब्रह्मा जी ने कहा कि क्या वरदान चाहिए आपको? तो मेरी इच्छा है कि मेरी एक बेटी हो जो कि पार्वती से भी अधिक सुंदर हो और जिसका पति महादेव को युद्ध में परास्त कर सके। तो ब्रह्मा जी ने ज्यादा सोच विचार नहीं किया, मगर तथास्तु, जय हो आपकी। तो उन्होंने कहा अच्छा, अरे ये तो वरदान दे दिया, बहुत अच्छी बात है, तो बढ़िया हो गया। लेकिन बाद में ब्रह्मा जी जो है चिंता में पड़ गए। ब्रह्मा जी ने सोचा मैंने ये वरदान तो दे दिया, लेकिन अब ये कैसे सच होगा? ये संभव ही नहीं है। राधा रानी तो, अगर राधा रानी को इनके यहां पे हम जन्म दिलवा देते हैं तो हो जाएगा, क्योंकि अभी भगवान श्री कृष्ण लीलाएं प्रकट करने वाले हैं ब्रज में, और उनकी जो नित्य अर्धांगनी है वो श्रीमती राधा रानी है, और उनसे सुंदर तो कोई है नहीं, वो पार्वती से भी बहुत सुंदर है। अगर वो विंध्या की बेटी के रूप में आ जाती है तो सारी समस्या का हल मिल जाए। लेकिन संभव कैसे है? वो तो कीर्तिदा की पुत्री है और नित्य शाश्वत उनकी सुपुत्री है कीर्तिदा की, तो वहां से यहां कैसे होगा फिर स्थानांतरित? समझ में नहीं आया उनको। ब्रह्मा जी सोचे पड़े, यानी कि जब ब्रह्मा जी की बुद्धि काम नहीं करती है तो फिर भगवान को हस्तक्षेप करना पड़ता है, क्योंकि ब्रह्मा जी से अधिक बुद्धिमान कोई है नहीं इस सृष्टि में। तो इसलिए ब्रह्मा जी वो जो है बहुत चिंतित हो गए, परेशान हो गए। उन्होंने कहा ठीक है, मैं भी तपस्या करता हूं। तपस्या से बहुत कुछ प्राप्त हो सकता है, सारी समस्याओं का हल क्या है? तपस्या है। तो ब्रह्मा जी ने खूब तपस्या की, कठोर तपस्या की, और राधा रानी का स्मरण करते रहे। राधा रानी का स्मरण करते 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 ब्रह्मा जी जो है राधा रानी को उन्होंने प्रसन्न कर दिया, और राधा रानी जी प्रकट हो गई ब्रह्मा जी के समक्ष। राधा रानी का कि क्या चाहते हैं वरदान आप? उन्होंने कहा कि, उन्होंने कहा मेरी इच्छा यह है कि मैंने ये वरदान दे दिया, मुझे समझ में नहीं आ रहा है, और मैं चाहता हूं किसी ना किसी तरह से आप विंध्या पर्वत की बेटी के रूप में जन्म ले। तो राधा रानी ने कहा अच्छा, लगा ठीक है हो जाएगा, चिंता मत करो, तत्काल ही उत्तर दे दिया। लेकिन राधा रानी जब हाँ कहेंगी तो उसमें फिर बाद में कुछ गड़बड़ नहीं होगा, आप समझ रहे हैं? बाद में राधा रानी को सोचना नहीं पड़ेगा ये मैंने क्या वरदान दे दिया। तो राधा रानी को इस तरह से सोचना नहीं पड़ता। तो राधा रानी का ठीक है, चिंता मत करो, तथास्तु, ये हो जाएगा। तो उसके बाद क्या, उसी समय ब्रज में महाराज वृषभानु और चंद्रभानु इनके पत्नियों के गर्भ से श्रीमती गर्भ में श्रीमती राधा रानी प्रकट हुई, और चंद्रभानु महाराज के गर्भ में चंद्रावली प्रकट, यानी कि वृषभानु और चंद्रभानु ये भाई हैं। तो इनके जो पत्नियां थी उनके गर्भ में राधा रानी और चंद्रावली प्रकट हुई। तो योग माया ने क्या किया? योग माया की व्यवस्था से क्या हुआ, राधा रानी और चंद्रावली को विंध्या के जो पत्नी थी उनके गर्भ में स्थानांतरित कर दिया। तो स्थानांतरित तो किया जा सकता है, पॉसिबल है स्पिरिचुअल वर्ल्ड में, जैसे बलराम जी को भी स्थानांतरित किया था योग माया ने, माता देवकी के गर्भ से माता रोहिणी के गर्भ में, तो स्थानांतरित कर दिया। अब विंध्या पर्वत बड़े प्रसन्न हो गए, लगता है कि बहुत सुंदर बेटी होने वाली है, सुपुत्री होने वाली है। और उसके बाद फिर कुछ समय के बाद राधा रानी प्रकट हुए और चंद्रावली प्रकट हुई। तो उसी समय क्या हुआ कि ब्रज में, हम जानते हैं लीला जानते हैं कि किस तरह से इससे पहले कंस ने जो है अत्याचार फैलाया हुआ था पूरे ब्रज में, और एक एक करके संतानों को मारता जा रहा था, वो वसुदेव और देवकी की संतानों को मारता जा रहा था, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 सबको मारता जा रहा था। तो फिर 7 नहीं 6, तो उसके बाद फिर क्या हुआ, भगवान ने आज्ञा दी थी योग माया को कि आपको क्या करना है, संकर्षण को स्थानांतरित करना है, और वसुदेव जी को आज्ञा की थी मुझे आप ले जाइए गोकुल ले जाइए, और वहां पर क्या करिए, योग माया को वहां पे
योग माया वहां पे जन्म लेने वाली हैं कन्या के रूप में, और उनको आप यहाँ पे लेकर आइए और मुझे वहां छोड़ दीजिएगा। तो वसुदेव जी ने ऐसा किया। तो वापस जब कन्या वो जब लेकर आए तो कंस ने सोचा ये भी संतान हो सकती है, आठवीं संतान। तो योग माया को हाथ से जब उठाने लगा कंस, तो क्या हुआ, वो आकाश में चली गई और आकाश में दुर्गा जी के रूप में प्रकट हो गई। तो दुर्गा जी ने कहा तुम तो बेवकूफ हो, मुझे मारना चाहते हो, तुम्हें मारने वाला तो पहले ही जन्म ले चुका है कहीं और। नहीं है, ये क्या हुआ? वो तो और भयभीत हो गया और घबरा गया। वो तो कंस वैसे 24 घंटे वो भयभीत रहता था, और भय बढ़ गया उसका। और ये मत भूलो कि तुम्हें मारने वाले जो हैं, अब क्या है कि ये तो प्रकट हो गए, और भी जो हैं वहां आठ महाशक्तियां प्रकट होने वाली हैं, आठ महाशक्तियां प्रकट होने वाली हैं कल। और ये शक्तियां जो हैं इस प्रकार से, इनमें से दो जो हैं सबसे ज्यादा शक्तिशाली हैं, राधारानी और चंद्रावली। और इनका जो पति होगा वो राजेंद्र होगा, जो भी इनका पति बनेगा राजेंद्र होगा, यानी कि वो जो है शिवजी को भी युद्ध में परास्त कर सकेगा। तो कौन कौन थी सखी जो प्रकट होंगी? राधा, चंद्रावली, ललिता, विशाखा, पद्मा, शैव्या, श्यामला और भद्रा, तो ये महाशक्ति भी प्रकट होंगी। तो इस तरह से फिर क्या हुआ, कंस ने जो है आज्ञा दी पुत्रा को, पुत्रा इधर आओ। उन्होंने कहा जाओ, जितने भी ब्रज में जितने भी बच्चे हैं सबको मार डालो, हाल ही में जितने भी संतानें बच्चे हुए हैं और जितनी भी कन्याएं हुई हैं उनको भी सबको उठा लो। तो पूतना जो है उड़ती हुई खेचरी है, खेचरी का कार्य यही होता है बच्चों को उठा लेती हो, बच्चों को उठा के मार देगी, बच्चों को खा लेगी। तो इस तरह की होती थी राक्षसी उस समय। तो पूतना उड़ती हुई गई आकाश में, और पूतना जो पहुंची कहां पहुंची, विंध्या, जहां विंध्या चल है। तो वहां पर विंध्या जो है क्या कर रहे थे, बहुत बड़ा यज्ञ कर रहे थे अपने बच्चों की रक्षा के लिए। बहुत वर्षों के बाद बच्चे हुए हैं तो उसके लिए बहुत भव्य वहां यज्ञ किया जा रहा था ब्राह्मणों के द्वारा, ब्राह्मणों को बुलाया गया था। तो बहुत सुंदर यज्ञ हुआ, और जब यज्ञ हुआ तो उसी यज्ञ में पूतना वहां पहुंच गई और बच्चों को उठा लिया, बच्चों को उठा लिया उसने, और पांच जो बताया सखिया का नाम जो बताया हमने उनको भी उठा हुआ था उसने पहले, अब इनको भी उठा लिया। इनको उठाने के बाद फिर वो हवा में उड़ गई आकाश में। आकाश में जो उड़ती गई तो विंध्या को बहुत क्रोध आया, उसने कहा कि अच्छा इसकी ये हिम्मत, मेरे होते ही जो है इन बेटियों को उठा के ले गया, मेरे बच्चों को उठा के ले गया, मैं अभी इसको जो है नीचे गिराता हूं। तो ब्राह्मणों को बोला कि आप मंत्र उच्चारण से इसको जो है कमजोर कर दीजिए, इसको गिरा दीजिए। तो फिर विंध्या जो ब्राह्मण थे वहां पे उन्होंने मंत्रों का उच्चारण किया, और ब्राह्मण बड़े शक्तिशाली होते थे, और ब्राह्मणों के मंत्र उच्चारण से क्या हुआ कि वो पूतना कमजोर पड़ गई, और जब कमजोर पड़ गई तो एक बच्ची जो है विदर्भ में जाके गिरी, वैदर्भ, वैदर्भ भी जिसको कहते हैं। तो विदर्भ में जाके गिरी, वहां पे नदी में जब गिरी तो वहां पर राजा भीष्मक आए हुए थे। राजा भीष्मक ने उस बच्ची को उठाया, और बच्ची जो है कहां पे रही, राजा भीष्मक के यहां, यानी कि चंद्रावली। तो चंद्रावली वहां पर लगभग 5 वर्ष के लिए रही, और जामवान जो है कभी गिरिराज जी में रहते थे, कभी विंध्या पर्वत में रहते थे, कभी भ्रमण करते रहते थे। तो जामवान ने फिर जो है 5 वर्ष के बाद जो है उनको वहां से लेकर आए चंद्रावली को। लेकिन चंद्रावली जब वापस लेकर आए जामवान, तो चंद्रावली ने अपना विस्तार कर लिया रुक्मणी जी के रूप में। इसलिए रूप गोस्वामी पाल बता रहे ललित माधव में किस तरह से जो 16,000 पटरानियां हैं द्वारका की महिषियां हैं, वो कैसे ब्रज की गोपियां हैं, किस तरह से ब्रज की गोपियों ने जो है द्वारका की महिषियां बनी। तो इस तरह से बहुत सारी कथाएं हैं। तो फिर और इसके बाद फिर वो दूसरी बच्ची जो थी उसको भी लेकर उड़ रही थी पूतना, और कमजोर हो गई। कमजोर जब हो गई तो उस बच्ची को भी घेर दिया। तो पूर्णमासी ने रक्षा की, और पूर्णमासी उस बच्ची को लेकर आए, और पूर्णमासी ने मुखरा को दिया। मुखरा जो है राधारानी की नानी है। राधारानी की नानी कौन है? मुखरा। तो और मुखरा को दिया, और मुखरा ने क्या किया, फिर महाराज विश्वभानु को आके वो बच्चे दिए। इस तरह से फिर राधारानी वापस आ गई और चंद्रावली भी वापस आ गई। तो इस तरह से राधारानी का आविर्भाव बताया जा रहा है श्रील रूप गोस्वामी के द्वारा ललित माधव में। और भी बहुत सारी कथाएं हैं आविर्भाव के बारे में। एक और कथा है जिसमें सूर्यदेव, ये सूर्यदेव जो सूर्यदेव दिखते हैं हमें, सूर्य की बड़ी इच्छा हुई कि श्रीमती राधारानी जो है मेरी बेटी के रूप में जन्म ले। इसलिए हम लीला में, ब्रज लीला में देखते हैं कि राधारानी प्रत्येक दिन वो जाती थी सूर्य कुंड, जाती थी और सूर्य की पूजा करती थी, जानते हैं आप। तो
तो इस तरह से सूर्यदेव की पुत्री के रूप में प्रकट सूर्यदेव चाहते थे मेरी बेटी के रूप में जन्म लें। तो रावल नाम के गांव में यानी कि कोकुल महावन राहल रावल में वहां एक ग्वाले रहते जिनका नाम था महाबानु और उनके पांच पुत्र थे चंद्रभानु उनके पांच पुत्र थे चंद्रभानु रत्नभानु वृषभानु सुभानु प्रतिभानु ये पांच पुत्र थे। और उसके बाद फिर पांच इन पांच भाइयों में वृषभानु महाराज जो हैं उनको चुना गया था कि अगले सिंहासन में राज सिंहासन बैठने वाले कौन होंगे वृषभानु महाराज होंगे। और वृषभानु महाराज ये सूर्यदेव से अभिन्न है ये सूर्यदेव से अभिन्न है। तो वृषभानु महाराज उसी समय उसी स्थान में एक और ग्वाला रहता था धनी बहुत रिच उसका नाम था बिंदु। और इस बिंदु जो ग्वाला था तो ये भी जो है वहां पे उस गांव में रहता था। तो बिंदु के भी जो है पांच पुत्र हुए और तीन कन्याएं हुई और यानी कि मुखरा मुखरा उनकी पत्नी थी बिंदु की। और इस तरह से उनके पांच पुत्र हुए और तीन कन्याएं हुई। पांच पुत्र कौन कौन के स्वयं भद्रकीर्ति चंद्रकीर्ति महाबल महाकीर्ति और श्रीदान। और उनकी कन्याओं का नाम था भानुमुद्रा कीर्तिमती और कीर्तिदा। तो इस तरह से जो है फिर इनकी कन्याएं हुई उसमें कन्या थी कीर्तिदा और कीर्तिदा का विवाह हुआ वृषभानु महाराज से। तो वृषभानु महाराज से कीर्तिदा का विवाह तो हो गया लेकिन कई वर्षों तक संतान नहीं हुई। तो बहुत वर्षों तक जब संतान नहीं हुई तो वृषभानु महाराज बहुत चिंतित हो गए कि क्या किया जाए संतान ही नहीं हुई अभी तक। तो कीर्तिदा क्योंकि सती स्त्री थी उन्होंने कहा कि आप चिंता मत करिए आप कात्यायनी देवी की पूजा करिए। तो वृषभानु महाराज ने कहा ठीक है मैं कात्यायनी देवी की पूजा करूँ। तो वृषभानु महाराज गोवर्धन की तलेटी में चले गए और गोवर्धन की तलेटी में जाकर यमुना जी के पास वहां पर घोर तपस्या करने लगे। और वहां जब बहुत तपस्या करने लगे तो एक आकाशवाणी हुई। उस आकाशवाणी में क्या बताया कि हे वृषभानु सुनो जब तक आपके हरिराम आपके करण में प्रवेश नहीं करे होगा तब तक आपकी जो करण शुद्ध नहीं होंगे आपकी इंद्रियां शुद्ध नहीं होगी। आप इस हरिनाम को स्वीकार करिए सब कुछ मंगलमय हो जाएगा सब कुछ शुभ होगा। और उसके बाद फिर वृषभानु महाराज वहीं पे निकट में ही क्रतुमणि निवास करते थे। और वृषभानु महाराज क्रतुमणि के पास गए और क्रतुमणि से उन्होंने अनुरोध किया कि हे मुनिवर मुझे आप हरि नाम का वरदान दें मैं आपसे ये मंत्र लेना चाहता हूँ। और क्रतुमणि जानते हैं उन्होंने क्या मंत्र दिया हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे इति षोडशकम् नाम नाम नामात्मक राम नाम त्रिकल त्रिकाल कलम शापहम नातः परात्रोपायः सर्ववेदेषु दृश्यते। तो ये श्लोक बड़ा मिलता जुलता है जो कि कालिचंद्र उपनिषद में भी है। तो ये श्लोक कहाँ पर ये जो कथा कहाँ पर आती ब्रह्मांड पुराण में उत्तरखंड राधा हृदय। तो ये जो मंत्र क्रतुमुनि ने महाराज वृषभानु को दिया था और इस तरह से हरि नाम का उच्चारण करने लगे। और फिर और भी एक देववाणी हुई थी। उस देववाणी में क्या बोला गया था कि क्रतुमणि ने यह भी बताया था देववाणी नहीं क्रतुमणि ने वृषभानु महाराज को यह भी बताया था भले ही कोई गणपत्य हो या वैष्णव हो या शैवेत हो कोई भी इस हरिनाम का उच्चारण करेगा जब तक ये हरिनाम का उच्चारण नहीं करेगा तब तक वो शुद्ध नहीं हो सकता है। और साथ में क्रतुमणि ने यह बताया कि कोई भी मंत्र के उच्चारण करने से पहले सबसे पहले हरिनाम लेना जरूरी है। इसलिए राधा तंत्र में भी बताया गया है कि गायत्री मंत्र निष्फल हो जाता है अगर हम पहले हरे कृष्ण महामंत्र का उच्चारण नहीं करेंगे। यानी हरे कृष्ण महामंत्र का अगर हम गुरु से नहीं स्वीकार करते हैं सिर्फ गायत्री मंत्र लेते हैं अगर वो प्रमाणिक गुरु नहीं है तो क्या होगा उस गायत्री मंत्र का बिल्कुल भी लाभ नहीं मिलेगा। तो इसलिए गायत्री मंत्र से पहले हमें हरि नाम मिलता है गुरुदेव से। तो इस तरह से फिर वृषभानु महाराज जो है उन्होंने साष्टांग दंडवत किया क्रतुमुनि को और हरि नाम का उच्चारण दिन रात करने लगे इस महामंत्र का हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे। तो इस तरह से दिन रात हरे कृष्ण महामंत्र का उच्चारण करते रहे। और उसके बाद वृषभानु महाराज के समक्ष जो है श्रीमती राधारानी प्रकट हुई। पहले तो कात्यायनी देवी ने क्या किया उनको एक ओवल शेप में एक बॉक्स दिया गोल्डन एग एग की तरह लग रहा था वो और ओवल शेप में था एक सोने का उसमें बहुत तेज प्रकाश निकल रहा था। तो महाराज वृषभानु को कात्यायनी देवी से वो प्राप्त हुआ और कुछ ही समय के बाद श्रीमती राधारानी प्रकट हुई।
तो इस तरह से बहुत सारी कथाएं हैं। अब वापस हम उसी श्लोक में चलते हैं, श्रीमद् भागवत के प्रथम अध्याय के प्रथम स्कंद के प्रथम अध्याय के प्रथम श्लोक में, जिसमें हम वर्णन कर रहे थे कि किस तरह से इस श्लोक का वर्णन किस तरह से किया गया है, ये बताते हुए कि प्रथम श्लोक में ही श्रीमती राधारानी के महिमा का वर्णन है। अभिज्ञा, अभिज्ञा का मतलब ये है कि राधारानी दक्ष हैं 64 कलाओं में, जो 64 कला है, 64 जो आर्ट्स हैं श्रृंगार रस के, उन सभी कलाओं में श्रीमती राधारानी दक्ष हैं, अभिज्ञा। और साथ में भगवान श्री कृष्ण को कहा जाता है, क्या शास्त्रों में क्या कहा गया है, रसो वही सहा इज अ रिजर्वायर ऑफ प्लेजर, रसो वही सहा। लेकिन भगवान श्री कृष्ण जो है, एक जो है भाव भगवान श्री कृष्ण, उसमें अभिज्ञ नहीं है, अनभिज्ञ है, वो है श्रीमती राधारानी का मादन भाव, मादनाख्य भाव, मादनाख्य महाभाव, जो केवल श्रीमती राधारानी के पास, ललिता विजयी विशाखा जी के पास भी वो महाभाव नहीं। ये कैसा महाभाव है कि एक ही समय में विरह और मिलन दोनों की ही अनुभूति होती है, एक ही समय में विरह और मिलन की अनुभूति होती है एक साथ। तो ये मादन भाव केवल श्रीमती राधारानी में है, और ये क्योंकि कृष्ण के बाद ही राधारानी का महाभाव नहीं है, वो अभिज्ञ नहीं है इसमें, तो कृष्ण को क्या करना पड़ता है, इस मादन भाव का आश्रय लेना पड़ता है और राधारानी की कांति को स्वीकार करना पड़ता है। इस कारण से क्या होता है, वो श्री चैतन्य महाप्रभु के रूप में प्रकट होता है। जैसे कल मोहन सुंदर प्रभु ने भी बताया था कि प्रेम से आगे भी सीढ़ियां हैं, जो केवल श्रील रूप गोस्वामी पाद जी ने हमें बताया है। प्रेम से आगे स्नेह है, स्नेह से आगे मान है, मान से आगे प्रणय है, यानी कि प्रेम और कंटेंस होता जाता है, प्रणय के आगे राग है, राग के आगे अनुराग है, अनुराग के आगे भाव है, भाव के आगे महाभाव है। महाभाव के भी और दो डिविजन बताए हैं, रूढ़ महाभाव है, आदि रूढ़ महाभाव है, आदि रूढ़ महाभाव के भी तीन डिविजन बताए हैं, मोदन महाभाव है, मोहन महाभाव है, मोदन महाभाव है। तो ये सब तो ठीक है, लेकिन जो मादन महाभाव है वो केवल श्रीमती राधारानी के पास, श्रीमती राधारानी की बात ही केवल ये है। और कृष्ण इसमें क्या है, अभिज्ञ नहीं है, अनभिज्ञ है। तो इस तरह से ये वास्तव में अभिज्ञता है श्रीमती राधारानी की। ठाकुर भक्तिरों ने जैन धर्म में बताया है, ये प्रश्न उठाया गया वहां पर कि ये कैसे संभव हो सकता है कि श्री कृष्ण अनभिज्ञ है, राधारानी तो उन्हीं की शक्ति है, ऐसा तो कुछ भी नहीं है जो कि कृष्ण को ना पता हो। भगवद गीता में स्वयं भगवान ने कहा है, वेदेश सर्वे राम अहम एव वेद्यो वेदांत कृत वेदवित एव चाहम सर्वस्य चाहम हृदि सन्निविष्टो वेदाहम समितितानि, सभी जन्मों का मुझे याद है तुम्हें याद नहीं है। तो भगवान तो गीता में हर जगह यही बोल रहे हैं कि मैं सबसे ज्यादा ज्ञानी हूं, मुझे सब कुछ पता है, लेकिन ये तो नहीं पता है। तो ये भी उनकी पूर्णता है, ये भी उनका कंप्लीटनेस है कि सब कुछ कृष्ण को पता है, लेकिन कुछ एक है वस्तु नहीं पता है, तभी तो वो पूर्ण माने जाएंगे। सो इन दैट वे ही इज मोस्ट कंप्लीट। तो इस तरह से भक्तों ठाकुर बता रहे हैं कि क्या कारण है कि वो अनभिज्ञ है, क्योंकि स्वयं कृष्ण की ये इच्छा है, स्वयं कृष्ण की ये इच्छा है कि वो इस राधारानी के इस महाभाव को ना समझे। और ये कब शुरू हुआ था, कब ये इच्छा आई थी, ये हमें नहीं पता, ये भी शाश्वत, ये भी इटर्नल फैक्ट, क्योंकि इसका भी रसास्वादन श्री कृष्ण करते हैं। तो इस तरह से ये अभिज्ञता है। और स्वराट, स्वराट का मतलब होता है राधारानी सेल्फ मैनिफेस्टेड, राधारानी स्वयं ही व्यक्त हुई है, नो वन हैज मैनिफेस्टेड हर, किसी और ने राधारानी को व्यक्त नहीं किया है। और इसी तरह से मिलन में भी जो है विरह उत्पन्न होता है। स्वराट, शी फुली कंट्रोल्स कृष्णा, शी फुली कंट्रोल्स कृष्णा, यानी कि कृष्ण को पूरी तरह से वो नियंत्रित करती है। आश्रव केशवहा, श्रील रूप गोस्वामी पाद जी उज्जवल नीलमणि बता रहे हैं, 25 दिव्य गुण बता रहे हैं। तो 25th क्वालिटी क्या है राधारानी का, आश्रव केशवः, शी फुली कंट्रोल्स कृष्णा एंड लॉर्ड कृष्णा इज फुली सबमिसिव टू श्रीमती राधारानी, पूर्ण तरह से जो है शरणागत है राधारानी की सेवा में, और राधारानी को पूरी तरह से नियंत्रित करते हैं। कृष्ण के कितने दिव्य गुण है, कृष्णा हैज गॉट 64 डिवाइन क्वालिटीज, और राधारानी की कितनी डिवाइन क्वालिटीज हैं, 25, जो बेसिकली हैं तो क्वालिटीज अनलिमिटेड, लेकिन जो प्रिंसिपल क्वालिटीज हैं राधारानी की वो 25 है, और कृष्ण की जो प्रिंसिपल क्वालिटीज हैं 64 है, लेकिन एक जो क्वालिटी है राधारानी का ये, यानी कि
आश्रव केशव, यानी कि शी फुली कंट्रोल्स कृष्णा। इस क्वालिटी से वो कृष्ण को, कृष्ण के सारे दिव्य गुणों के पर भारी पड़ जाती हैं, वो कृष्ण को भी आकर्षित कर लेती हैं। तो इस तरह से ये सोराट, सो शी इज कंप्लीटली इंडिपेंडेंट एंड कृष्णा इज फुली डिपेंडेंट अपॉन राधारानी। तो इस तरह से राधारानी पूर्ण रूप से स्वतंत्र है, लेकिन कृष्ण जो है वो परतंत्र है, राधारानी की सेवा में है। तेने ब्रह्म हृदय आदि कवये मुह्यंति यत् सूर्ययः, यानी कि राधारानी ने रस ब्रह्म को, अपना रस ब्रह्म जो है, इस रस ब्रह्म का विस्तार किया है किसमें, जो आदि कवि हैं सुखदेव गोस्वामी, ओरिजिनल पोएट तो ब्रह्मा जी हैं, लेकिन सुखदेव गोस्वामी जो कि भागवत के कथा वाचक हैं, उनके हृदय में उन्होंने ये दिव्य ज्ञान प्रकट किया है श्रीमती राधारानी ने, क्योंकि सुखदेव गोस्वामी उनके तोते हैं सुख। तेने ब्रह्म हृदय आदि कवये, भगवान ने क्या किया था, ब्रह्मा जी के हृदय में दिव्य ज्ञान प्रकट किया था, लेकिन राधारानी ने में तो अभी तो दिव्य ज्ञान प्रकट किया सुखदेव गोस्वामी के हृदय में। तो तेने ब्रह्म हृदय आदि कवये का मतलब ये बताया है। और मुह्यंती यत् सूर्ययः, तो राधारानी ने अपना विस्तार किया है, अपने रस का विस्तार किया है सुखदेव गोस्वामी के हृदय में, और इस पर ये जो रस ब्रह्म है यहां तक कि ब्रह्मा जी को भी मोहित करता है। मुह्यंती यत् सूर्ययः, यानी कि बड़े बड़े देवी देवता, ब्रह्मा जी, सूर्य, ये सभी मोहित हो जाते हैं इस रस ब्रह्म के द्वारा। और दूसरा अर्थ ये है कि जब भक्त जो है इस रासलीला को देखते हैं, उतर रासलीला को देखते हैं और राधारानी की सर्वोपरि स्थिति को देखते हैं कि राधारानी के लिए कृष्ण रासलीला को भी छोड़ के चले जाते हैं, इसको भी देखकर जो है देवी देवतागण जो है क्या हो जाते हैं, मोहित हो जाते हैं। मुह्यंती यत् सूर्ययः तेजोवारी मृदाम, तेजोवारी मृदाम का मतलब है, तेज का मतलब यहां पर बताया गया है पूर्णिमा की चंद्रमा, साधारण चंद्रमा नहीं, पूर्णिमा का चांद, जिसका तेज प्रकाश बहुत तेज होता है और जिस प्रकाश से महारास होती है तेज, तो वो तेज जो है वो क्या हो गया, एकदम से स्तब्ध हो गया, चंद्रमा भी स्तब्ध हो गया। और यमुना तेजो वारी, वारी का मतलब जल, यानी कि यमुना जी भी जो है स्तब्ध हो गई, वो रुक गई। तेजो वारी मृदाम यानी कि जो ये पत्थर है या जो मिट्टी है या जो पत्थर है वो भी क्या हो गया, तरल पदार्थ बन गई। तो इस प्रकार ये बताया। और उसके बाद यानी कि राधा कृष्ण का मिलन का देखते हुए या राधा और कृष्ण का विरह देखते हुए ये सब जो है स्तब्ध हो गए, यानी कि जो जड़ तत्व है वो क्या हो गया, चेतन हो गया, और जो चेतन वस्तु है वो जड़ हो गई। तेजो वारी मृताम यथा त्रिसर्गो का मतलब यहां पर ये बताया गया, श्री भू नीला, ये जो शक्तियां हैं ये सब श्रीमती राधारानी से प्रकट हुई हैं, यानी कि जिनसे लक्ष्मी जी, महिषियां, गोपियां, ये सब प्रकट हुई हैं राधारानी से। त्रिसर का मतलब ये है, और जिनमें अंतरंगा शक्ति, बहिरंगा शक्ति, तटस्थ शक्ति वास करती हैं, यानी कि श्रीमती राधारानी जो स्वयं है, धामना स्वयं सदा निरस्त कुहुकम सत्यम परम धीमही, जो आखिरी लाइन है इसमें, इसका मतलब यह है कि महामाया से परे गोलोक धाम वृंदावन में, यहां पर राधारानी क्या कर रही है, वहां पर श्री कृष्ण को, नंदन कृष्ण को सर्वोच्च आनंद प्रदान कर रहे हैं, और इसी को कहते हैं राधा रमण। हरे राम 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 हरे हरे। तो गोपाल गुरु गोस्वामी क्या बोल रहे हैं अपनी टीका में, महामंत्र की टीका में, वो बताते हैं कि यानी कि राधा रमण का मतलब क्या है, राधा रानी को आनंद प्रदान करने वाले, राधा रानी या राधा रानी फिर कृष्ण को आनंद प्रदान करती है। तो इस प्रकार ये राधा रमण है यानी कि राम, और यानी कि ये जो पराशक्ति है यानी कि परम सत्य, सत्यम परम धीमी का मतलब है कि परम सत्य स्वरूपा यानी श्रीमती राधा रानी, उनके ऊपर मैं ध्यान लगाता हूं, यानी कि कृष्ण के ऊपर ध्यान लगाता हूं जो उन श्रीमती राधा रानी की सेवा में लगे हैं, सत्यम परम धीमही। तो इस तरह से ये व्याख्या है श्रीमद् भागवत के प्रथम श्लोक की, इस प्रकार से व्याख्या दी गई है। और भी बहुत सारी बहुत सुंदर सुंदर घटनाएं हैं कथा है, तो वही अभी आपको बताने जा रहे हैं। और ये जो कथाएं अलग अलग शास्त्रों से ली गई हैं, अलग अलग ग्रंथों से ली गई हैं, और एक चर्चा आती है सनत कुमार संहिता में, और सनत कुमार संहिता में बहुत सुंदर वर्णन आता है कि परम भगवान श्री कृष्ण, ये सनत कुमार संहिता बेसिकली प्रैक्टिकली एक शिव पुराण का एक पार्ट है, और इसमें शिव जी को परम भगवान श्री कृष्ण राधारानी की महिमा बता रहे हैं, और राधारानी की महिमा इसमें जो बता रहे हैं तो
बहुत सुंदर वर्णन कर रहे हैं कि किस तरह से राधाणी का जो स्थिति है वो सर्वोच्च स्थिति है, सुपीरियर पोजीशन है। और पहला जो वो बता रहे हैं वो क्या बता रहे हैं, वो बता रहे हैं कि किस तरह से विपक्ष सखी जो है चंद्रावली है, राधाणी की जो विपक्ष सखी है यानी कि जो गोपियां हैं उसमें चंद्रावली जो है विपक्ष के साइड में, यानी कि राइवल है चंद्रा सखी चंद्रावली। तो कृष्ण जो है हमेशा राधाणी का स्मरण करते हैं, तो चंद्रावली जो है कभी कभी माल्या अर्पण करती हैं, माला अर्पित करती हैं, बोलती हैं ये वैजयंती माला है, ये वैजयंती माला है, मैंने स्वयं ही फूल चुना है वृक्ष से और मैंने स्वयं ही ये माला बनाई है, इस माला को आप स्वीकार करिए। तो फिर उस समय भी कृष्ण क्या करते हैं, राधाणी का स्मरण करते हैं और उसके बाद फिर बोलते हैं कि वाह ये तो बहुत अच्छा है, ये माला तो बहुत अच्छा आपने बनाई है, चंद्रावली से कहते हैं इस माला को देखकर तो मुझे श्रीमती राधाणी का स्मरण हो रहा है। तो चंद्रावली से इस तरह से कहते हैं तो मुझे तो राधाणी का स्मरण हो रहा है, बोलते ठीक है आप अपनी माला लीजिए और आप जाइए। तो बोलते नहीं, जो फिर भी जब तिरस्कृत भी कर दिया चंद्रावली ने, तब भी कृष्ण क्या बोलते हैं कि आपकी माला से तो उनकी माला बहुत अच्छी है। तो इस तरह से ये बताना चाह रहे हैं कि राधाणी जो है सबसे सुपीरियर पोजीशन में, यहां देखिए चंद्रावली से भी उनका जो स्थिति, उनकी स्थिति सर्वोपरि है। जिस तरह से हम देखते हैं कि राधा कुंड में जब श्री रघुनाथ दास गोस्वामी वास कर रहे थे और उस समय कोई वहां पे आया, व्यक्ति आया और उसने देखे बहुत डोने बड़े छोटे हैं और रघुनाथ दास गोस्वामी इस छोटे छोटे डोने में छाछ पीते हैं, वो भी दो दिन में एक बार 200 ग्राम छाछ, वो भी नमकीन, कितनी घोर तपस्या करते हैं। वहां सखी स्थली में मैंने देखा है कि बहुत बड़े बड़े पत्ते हैं और उनके पत्तों से बड़े बड़े डोने बन जाए, तो वहां से वो पत्ते लेकर आए और बड़े बड़े डोने बनाए और रघुनाथ दास गोस्वामी को उसमें छाछ पिलाना शुरू किया। जैसे ही छाछ पिलाने के लिए डोने जब सामने लग आए, रघुनाथ दास गोस्वामी ने पूछा ये पत्ते कहां से आए, तो उन्होंने कहा कि ये सखी स्थली से लेकर आए थे। अच्छा चंद्रावली के कहां से लेकर आए, रघुनाथ दास गोस्वामी ने उसको उठा के फेंक दिया तुरंत, क्योंकि रघुनाथ दास गोस्वामी राधाणी के पक्ष में हैं। तो ये क्योंकि राधाणी के जितने भी सखियां हैं यानी कि विशेष रूप से जो मंजरियां हैं, मंजरों में वही भाव प्रकट होता है जो श्रीमती राधाणी में होता है, मंजरों में वही भाव प्रकट होता है जो राधाणी में प्रकट होता है। यानी कि कैटेगरीज भी हैं गोपीज में, एक होती है सम स्नेहा गोपियां और एक होती है असम स्नेहा गोपियां। सम स्नेहा गोपियां वो होती हैं जो राधा और कृष्ण के लिए दोनों के प्रति समभाव होता है, जैसे ललिता जी हैं, विशाखा जी हैं, लेकिन ललिता जी कई बार राधाणी की तरफ ज्यादा रहते हैं उनके गुरु सखी के रूप में, लेकिन फिर भी एक समभाव रहता है राधा कृष्ण के लिए, दोनों के मिलन की व्यवस्था करती हैं। लेकिन असम स्नेहा गोपियां भी हैं, असम स्नेहा का मतलब होता है कि राधा और कृष्ण के लिए दोनों के लिए समभाव नहीं है, तो उसमें जो कृष्ण के प्रति ज्यादा स्नेह होता है या उनके कृष्ण के पक्ष में ज्यादा रहती हैं उनको कहते हैं कृष्ण स्नेहादिका, और जो केवल राधारानी के पक्ष में रहती हैं और राधारानी की सेवा ही करना चाहती हैं, कृष्ण से कोई लेना देना नहीं है, और लेना देना कब है कृष्ण से, जब राधारानी कृष्ण की सेवा करती हैं, तो उनको राधा स्नेहादिका कहा गया है। तो ये जितनी भी मंजरियां हैं, रूप मंजरी हैं, रति मंजरी हैं, ये सब जो मंजरियां हैं ये सब राधा स्नेहादिका सखियां हैं। तो इस तरह से जो है ये चंद्रावली भी, अब देखिए अनंत कोटि गोपियों में 108 गोपियां श्रेष्ठ हैं, उसमें भी 8 गोपियां सबसे श्रेष्ठ हैं और उसमें से ये 2 गोपियां श्रेष्ठ हैं, लेकिन उनमें से भी राधाणी श्रेष्ठ हैं। तो चंद्रावली के पास भी जाते हैं तो कृष्ण क्या करते हैं, राधाणी का स्मरण करते हैं। तो ये वास्तव में राधाणी की महिमा यहां बता रहे हैं, सनत कुमार संहिता में भगवान श्री कृष्ण स्वयं बता रहे हैं कि राधाणी की महिमा क्या है, क्योंकि ये जो राधाणी की महिमा, राधाणी का जो मूड है ये बहुत स्पेशल है और ये चैतन्य महाप्रभु ने स्वयं व्यक्त किया शिक्षाष्टक में, आश्लिष्य वा पादरताम पिनष्टुमाम अदर्शनाम मर्महताम करोतु वा यथा तथा वा विदधातु लंपटो मत प्राणनाथस्तु सेवनापरः। आप लंपट है, आप कुछ भी कर सकते हैं, आप मेरा प्रगा आप गाढ़ आलिंगन करें, आप मुझे दर्शन ना देकर मर्महत करें, फिर भी आप मेरे प्राणनाथ बने ही रहेंगे। कौन बोल रहा है, ये श्रीमती राधाणी बोल रही हैं, यानी श्री चैतन्य महाप्रभु राधाणी का भाव व्यक्त कर रहे हैं शिक्षाश्रम के 8वें श्लोक में। तो ये राधाणी का मूड है। कृष्णदास कविराज गोस्वामी चैतन्य चरितामृत में लिख रहे हैं, ना गड़ी आपना दुख सबे वांछी तारा सुख, तारा सुख हमार तात्पर्य,
मोर जदी दिया दुख तारा होइला महासुख, सही दुख मोर सुख वर्या। तो बोलते हैं, राधाणी बोलती है कि मुझे अपनी दुख की चिंता नहीं है, मुझे अपनी दुख की चिंता नहीं है, मैं तो चिंता कर रही हूं कि कृष्ण हमेशा सुखी रहे, क्योंकि उनके सुख, उनका ही सुख, जो उनका जो सुख है वही मेरे जीवन का सर्वोच्च लक्ष्य है। लेकिन अगर मुझे दुख देकर अगर उनको सर्वोच्च सुख प्राप्त होता है तो यही दुख मेरे लिए सर्वोच्च सुख है। क्या अगर मुझे दुखी करकर उनको सर्वोच्च सुख प्राप्त होता है तो ये दुखी मेरे लिए क्या है? सर्वोच्च सुख है। इस प्रकार से श्रीमती राधाणी का भाव यहां पर व्यक्त होता है। और अन्य जगह पर, एक और जगह लिखा है कृष्णदास कविराज गोस्वामी ने, सही नारी जिए केने कृष्ण मर्म व्यथा, जाने तबु कृष्ण करे गाढ़ रोष, निज सुखे माने काज पदुका, तार शिरे वाज कृष्णेर मात्र चाहिए संतोष। बोलते हैं ऐसी स्त्री को जीने का कोई अधिकार नहीं है जो कृष्ण को हमेशा दुखी करके रखती है। यानी कि कृष्ण बहुत दुखी है फिर भी अपना क्रोध प्रकट कर रही है। उस स्त्री को तो अपने केवल अपने सुख की चिंता है। मैं इस स्त्री के माथे पर जो है प्रहार करूंगी, वज्र से प्रहार करूंगी, क्योंकि हम तो केवल कृष्ण की प्रसन्नता चाहते हैं, कृष्ण का सुख चाहते हैं। तो प्रभुपाद जी वहां परपोट में लिख रहे हैं, अ डिवोटी हू सैटिस्फाइड ओनली विद हिज ओन सेंस ग्रेटिफिकेशन सर्टेनली फॉल्स डाउन फ्रॉम द सर्विस ऑफ कृष्ण। तो राधारानी का भाव सर्वोपरि भाव है। यही भाव जो है हमारे आचार्यों ने दिखाया, हमारे आचार्य जो कि श्रीमती राधारानी के नित्य परिकर मंजरियां हैं, और इन्होंने यही राधारानी का भाव प्रकट किया है। तो इस प्रकार ये राधारानी का मूड यहां पे एक्सप्रेस किया जा रहा है कृष्णदास कविराज गोस्वामी के द्वारा। और इसके अलावा कृष्ण सदैव श्रीमती राधारानी का गुणगान करते हैं, राधारानी की महिमा का गुणगान करते हैं। और यही वास्तव में यहां पर एक और बात बताई जा रही है, बहुत सुंदर बात बताई जा रही है। तो राधा रानी का जब कोई नाम लेता है तो राधा रानी नृत्य करती हैं, तो जब कृष्ण का कोई नाम लेता है तो कृष्ण नृत्य करते हैं, लेकिन जब राधा कृष्ण का नाम लेते हैं तो राधा कृष्ण नृत्य करते हैं। इससे सबसे श्रेयस्कर क्या होगा कि हमारे कृष्ण महामंत्र का उच्चारण, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। यहां तक कि निम्बार्क संप्रदाय में भी वो राधा कृष्ण का नाम ही लेते हैं, उनका मंत्र महामंत्र जो सनत कुमार संहिता से लिया गया है, राधे श्याम 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 राधे राधे, राधे कृष्ण 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 राधे राधे, उनका महामंत्र है। लेकिन हमारा महामंत्र ये नहीं है, हमारा महामंत्र और गोपनीय है और आपको कॉन्फिडेंशियल बात साइंस में लेके जाएगा, ये हरे कृष्ण महामंत्र। तो इस प्रकार ये दोनों के नामों का जब उच्चारण होता है तो दोनों ही साथ में नृत्य करते हैं। और फिर यहाँ पर इस तरह से भगवान श्री कृष्ण शिव जी को राधा रानी के महिमा का वर्णन कर रहे हैं और बता रहे हैं कि वो पर देवता है। श्रीमती राधा रानी क्या है? पर देवता है, क्योंकि शिव जी सोचते हैं, शिव जी का विचार ये था कि पार्वती जो है सबसे श्रेष्ठ है, लेकिन तो कृष्ण यहाँ पे क्लैरिफिकेशन दे रहे हैं उनको कि राधा पार्वती श्रेष्ठ नहीं है, श्रेष्ठ कौन है, पर देवता कौन है, श्रीमती राधा रानी है। और नित्य विहार, श्री कृष्ण कहते हैं कि मैं राधा रानी के साथ नित्य विहार करता हूँ, भले ही द्वारका में रहूं या मथुरा में रहूं, मैं हमेशा कृष्ण राधारानी का चिंतन करता हूं, राधा कृष्ण राधारानी का स्मरण करता हूं। प्रेम वशीकृता, प्रेम वशीकृता मतलब क्या है कि मैं प्रेम के वशीभूत हूं, राधारानी के प्रेम के वशीभूत हूं, पूरी तरह से उनसे निर्दत, उनके महाभाव के द्वारा मैं पूरी तरह से वशीभूत हो जाता हूं। यानी कि उनके जो देह से महाभाव स्वरूपनी राधारानी के देह से जब कोई गंध निकलती है, उनका जो वस्त्र है, उनके जो केश है, इस सब के सब जो है महाभाव के ही लक्षण है। राधारानी का जो केश है, राधारानी का जो वस्त्र है, ये सब महाभाव ही है। और उसके बाद फिर बता रहे हैं कि उनके कार्यों के द्वारा, उनकी वाणी के द्वारा, उनकी बोलचाल के द्वारा, उनके व्यवहार के द्वारा मैं पूरी तरह से वशीभूत हूँ, राधारानी के वशीभूत हूँ। और प्रबोधानंद सरस्वती ठाकुर ने राधा राज सुधानिधि ग्रंथ लिखा, जिसमें उन्होंने बहुत सुंदर एक लीला बताई है, और इस लीला के माध्यम से हमें पता चलेगा कि कृष्ण किस तरह से राधारानी के महाभाव से किस तरह से प्रभावित हो जाते हैं। तो एक बार राधारानी यमुना जी के तट पर हैं और अपना घड़ा भर रही थी, और इस तरह से दक्षिण दिशा से जो है बहुत तेजी से हवा आ रही थी, और कृष्ण जो है उत्तरी दिशा में खड़े हुए हैं, कृष्ण उत्तरी दिशा में खड़े हुए हैं, अपने गालों के साथ खड़े हुए हैं, और बहुत तेज हवा आने लगी और राधारानी के दिव्य शरीर को छू गई। और राधारानी के दिव्य शरीर को छूने के बाद वही हवा, वही गंध राधारानी के शरीर से निकलते हुए किस तरह बढ़ने लगी? उत्तरी दिशा के
तरफ बढ़ने लगे। उस तरफ कृष्ण जो है ग्वालों के साथ खड़े थे और वंशी बजा रहे थे, त्रिभंग रूप में खड़े थे, मोर मुकुट उन्होंने धारण किया हुआ था, बड़ा आनंद आ रहा था उनको। तो जब वंशी बजा रहे थे तो क्या हुआ, ये फिर जो समीर है, धीर समीर जिसको कहते हैं, ये राधाणी का धीर समीर, धीर समीर स्थान भी है वृंदावन परिक्रमा मार्ग में, धीर समीर। तो इस तरह से ये धीर समीर है ये चला राधाणी के दिव्य शरीर से चला और कृष्ण के चेहरे को जाके छू दिया, उनके शरीर को जाके छू दिया। और जैसे ही कृष्ण के शरीर को जाके छुआ तो जानते हैं क्या हुआ, उनकी पगड़ी जो है नीचे गिर गई, उनकी वंशी जो है वो नीचे गिर गई, उनके आभूषण तो थे ही नहीं, आभूषण तो कृष्ण वृंदावन में है तो आभूषण तो इतना नहीं पहनते वहां पर। तो सारे धीरे धीरे करके जो है एक एक जो वस्त्र वस्तु है वो सब गिरने लगे और आखिर में क्या रह गया, पीताम्बर वस्त्र इतनी दो धोती पहने हुई थी वो भी धीरे धीरे गिरने लगी और स्वयं कृष्ण भी नीचे गिर गए इस महाभाव के प्रभाव में। तो ये राधारानी का महाभाव प्रेम है कि केवल कृष्ण को उनके दिव्य शरीर से जो हवा आ रही है, जो दक्षिण दिशा से उत्तरी तरफ, उत्तरी दिशा की तरफ बह रही है, उस हवा के छूने मात्र से कृष्ण जो है अपने आप को संभाल नहीं पाए और कृष्ण मूर्छित हो गए। एक बार कृष्ण ने कहा राधारानी को कि आप हमेशा कटाक्ष डालती हैं, राधा कृपा कटाक्ष शिव जी के द्वारा बोला गया है, तो आप हमेशा कटाक्ष डालते हैं, कभी सीधा नहीं देखती है, क्योंकि मंजरियों की तरफ भी देखती है राधारानी तो तिरछी नजर से देखती है, गोपियों की तरफ भी देखती है तो तिरछी नजर से देखती है। आप देखिए राधारानी को कोई भी पेंटिंग देखिए, राधारानी कभी सीधा नहीं देखेंगे, ऐसे देखेंगे। तो एक बार जो है कृष्ण ने बहुत प्रार्थना की, उन्होंने कहा देखो हे राधे, आप हमेशा क्या करते हैं, आप हमेशा तिरछी नजर से ही सबको देखते हैं, अपनी कटाक्ष ही देती हैं आप, तो मेरी आज इच्छा है कि आप मुझे एक बार सीधा जरूर देखें। उन्होंने कहा नहीं 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 ये संभव नहीं है। तो कृष्ण माने नहीं, वो कृष्ण फिर से चरण में पड़ जाते हैं बार बार राधा रानी से, बहुत विनम्रता से प्रार्थना लगे, नहीं 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 ये संभव नहीं है। तो कृष्ण बार बार प्रार्थना कर रहे हैं, तो उन्होंने कहा ठीक है अब आपकी यही इच्छा है तो फिर मैं यही करती हूँ। तो राधा रानी ने सीधा देखा, तो राधा रानी ने जो सीधा देखा यही भाव प्रकट किया श्री चैतन्य महाप्रभु ने जगन्नाथपुरी में। जगन्नाथपुरी में क्या भाव प्रकट किया कि जैसे कि राधा रानी ने बिल्कुल सीधा देख लिया श्री कृष्ण, इसलिए हम देखते हैं चैतन्य महाप्रभु के हाथ लंबे हो गए, बड़े बड़े हो गए, घूस पिंपल्स उनके शरीर से निकलने लगे, कभी वो कुर्म आकृति का रूप धारण कर लेते थे, कभी वो बहुत लंबे हो जाते थे, ये सब उसी महाभाव का लक्षण है। इसलिए राधारानी को सीधा देखने का प्रयास मत करिए, लेकिन हमारी राधारानी बड़ी कृपालु है फिर भी सीधा देख रहे हैं, हमें कुछ हो नहीं रहा है, हमारी हालत इतनी खराब है कि राधारानी हमें सीधा देख रही है, आशीर्वाद भी दे रही है लेकिन कोई हलचल नहीं है, क्योंकि चेतना हमारी काफी जड़ हो गई जड़ जगत में रहकर। लेकिन कृष्ण को जब राधारानी ने देखा तो उनकी हालत क्या हुई जो श्री चैतन्य महाप्रभु ने दिखाया, इसलिए चैतन्य महाप्रभु कहे तो बहुत ज्यादा है, इट इज टू मच। तो इसलिए कृष्ण परम भगवान श्री कृष्ण राधारानी से महाभाव को समझना भी चाहते हैं और उसका आश्रय भी लेना चाहते हैं और जगन्नाथपुरी में भाव प्रकट भी कर रहे हैं, लेकिन कृष्ण ने इस बात को एहसास कर लिया कि मैं, मुझे इस भाव का अधिकार नहीं है, मैंने इसको स्वीकार तो कर लिया लेकिन बाप रे बाप ये तो बहुत ज्यादा है, इट्स टू मच। तो इस तरह से जो है राधारानी की यहाँ पर महिमा का गुणगान किया स्वयं परम भगवान श्री कृष्ण ने, किसको किया, शिव जी को किया। तो इस प्रकार से राधिका यानी कि राधा रानी पर देवता है। और इस तरह से फिर भगवान कृष्ण बोलते हैं, शिव जी को बताते हैं कि जानते हो वृंदावन परित्यज्य पादेव कब न गच्छति, ये सनत कुमार संहिता में दिया है कि एक कदम भी वृंदावन से बाहर नहीं रखता हूं, और मैं ही नहीं श्रीमती राधारानी भी एक कदम बाहर नहीं रखती हैं, हम दोनों कभी इस वृंदावन को छोड़कर कभी नहीं जाते हैं। और इस प्रकार तो कोई अगर राधारानी से यह कहता है कि मैं केवल आपका हूं, इसी भाव से अगर शरणागत होता है, राधारानी के चरणों में शरणागत हो जाता है, तो क्या होता है, इस शरणागत की भावना से कृष्ण ये बताते हैं कि साधना की भी आवश्यकता नहीं पड़ती है और आप सिद्धि को प्राप्त कर लेते हैं। लेकिन कोई बोल सकता है ये बात क्या, कि भगवत गीता में तो साधना की बात कर रहे हैं भगवान, श्रीमद् भागवत में साधना की चर्चा हुई है, हमारे रूप गोस्वामी भक्ति राम से साधना की चर्चा कर रहे हैं, और यहाँ सनातन को सनत कुमार संहिता में भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं कि साधना की आवश्यकता नहीं है। लेकिन शरणागति का अर्थ यही है, यहाँ बता रहे हैं राधारानी के शरणागत होना पड़ेगा, तो शरणागत होने का मतलब है श्रवणम कीर्तनम विष्णु शरणम, तो इस शरणागत होने का भाव ये है, शरणागत होने का अर्थ ये है, तो बेसिकली इनडायरेक्टली वो बोल रहे हैं। तो इस तरह से कहने का मतलब ये राधारानी की महिमा का वर्णन कर रहे हैं और ये बता रहे हैं कि किस तरह से अब राधारानी की शरण ले सकते हैं।
तो शिल भक्ति सिद्धांत श्री ठाकुर कहते हैं कि आप राधा रानी के चरणों के नख का अगर आप दर्शन करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं, हम भी कर सकते हैं। जानते कैसे? बोलते हैं कि गुरुदेव के चरणों का नखों का दर्शन करिए। इसलिए नरोत्तम दास ठाकुर यहां जो रोज लगाते हैं बैनर, उसमें नरोत्तम दास ठाकुर कहते हैं श्री गुरु चरण पद्मा केवल भक्ति सदमा। गुरुदेव किसके प्रतिनिधि हैं? श्री जी के प्रतिनिधि हैं, नरोत्तम दास ठाकुर का कहना है। गुरुदेव बलराम जी के भी प्रतिनिधि हैं और राधा रानी के भी प्रतिनिधि हैं, इसलिए मतलब श्री गुरु चरण का पद्मा केवल भक्ति सदमा। तो श्री गुरु के जो चरण कमल है उसमें केवल भक्ति है, उसमें कर्म मिश्रित भक्ति नहीं है, ज्ञान मिश्रित भक्ति नहीं है, क्योंकि वो राधा रानी के प्रतिनिधि हैं, श्रीमती राधा रानी के प्रतिनिधि हैं गुरुदेव। तो इसलिए गुरुदेव के जब चरणों का दर्शन करें, उनके नखों का दर्शन करें, तो समझ लीजिए श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर का कहना है कि हम राधा रानी के चरणों के नखों का दर्शन कर रहे हैं। इसका अर्थ यह नहीं है कि केवल हम चरणों को ही होल्ड करके बैठे रहे पूरे जीवन भर, इसका मतलब यह है कि गुरुदेव की आज्ञा का पालन करें यथारूप। ये है मतलब चरणों का दर्शन करने का मतलब। और फिर क्या बता रहे हैं? केवल भक्ति सदमा श्री गुरु चरण कमल पद्मा, यानी कि जो गुरुदेव के जो चरण कमल है ये कमल सदृश है, ये चरण जो है कमल सदृश है। भंवरा जो है हमेशा कमल के इर्द गिर्द घूमता है, लेकिन बहुत ज्यादा कमल के भीतर घुसने का प्रयास करेगा अगर, तो क्या होगा? हो सकता है कि वो जो कमल है वो बंद हो जाए, और कमल अगर बंद हो गया तो भंवरा मर भी सकता है। इसलिए नरोत्तम दास ठाकुर कह रहे हैं वंदो मोही सावधान माते, सावधानी से वंदना करना गुरुदेव के चरण कमल की। तो ये बड़ी महत्वपूर्ण बात यहां बताई गई कि किस तरह से राधा रानी की शरण ले सकते हैं, राधा रानी के समाश्रित कैसे हो सकते हैं। और इस तरह से शरणागति की बात की, शिव जी ने बताया उनको किस तरह से हमें शरण लेना है, और इस तरह से कई बातें बताई। तो यानी कि कहने का मतलब है राधा रानी की शरण पूर्ण रूप से जब हम लेते हैं, जैसे कि भगवद गीता में भगवान बता रहे हैं महात्मा नास्तु माम पार्थ दैवीं प्रकृति माश्रिता, तो महात्मा जो होते हैं वो राधा रानी के आश्रय में रहते हैं, राधा रानी का आश्रय। प्रभुपाद जी ने बताया देवी प्रकृति का मतलब यहाँ पर श्रीमती राधा रानी है, प्रभुपाद जी ने स्वयं बताया महात्मा नास्तु माम पार्थ दैवीं प्रकृति माश्रिता। प्रभुपाद जी कहते हैं वही महात्मा है, बाकी कोई महात्मा नहीं है, बाकी सब क्या है? असुरिम भाव माश्रिता नाम दुष्कृतनो मूढ़ा प्रबद्धन्ते नराधमा माया आपृत ज्ञान असुरिम भाव माश्रिता। यानी कि जो भी कृष्ण का भक्त नहीं है, राधा रानी का भक्त नहीं है, वो संग त्याग दो। माम एकम शरणम ब्रज का मतलब ये है। तो इस तरह से फिर बहुत सुंदर बातें बताई हैं, और इस सनत कुमार संहिता में एक बहुत विशेष बात बताई कि कृष्ण की बहुत सारी शक्तियां हैं और 16 प्रकार की शक्तियां बताई गई हैं, और ये शक्तियां दिखाई पड़ती हैं जगन्नाथपुरी में। जब जगन्नाथ जी का रथ चलता है तो जगन्नाथ जी के रथ में 16 स्पोक्स होते हैं, आप जानते हैं? नहीं जानते? पहिए में 16 स्पोक्स होते हैं, बलदेव जी के रथ में 14 स्पोक्स होते हैं, और सुभद्रा जी के रथ में 12 स्पोक्स होते हैं। तो ये जो 16 स्पोक्स हैं क्या है? ये 16 एनर्जीज हैं भगवान की। यानी कि जगन्नाथ जी रथ चलाई नहीं, कहीं पूछ रहा था उस दिन हमसे कि जगन्नाथ जी के साथ तो राधा रानी है नहीं, ये हो ही नहीं सकता है जगन्नाथ जी के साथ राधा रानी ना हो, अगर जगन्नाथ जी स्वयं कृष्ण है तो। अरे जगन्नाथ जी का रथ चल ही नहीं सकता है जब तक राधा रानी ना हो, गिरिराज जी को कृष्ण उठा ही नहीं सकते हैं अगर राधा रानी ना हो, भगवान कोई लीला कर ही नहीं सकते हैं अगर राधा रानी ना हो। तो 16 एनर्जीज यानी कि किसके हैं? भगवान श्री कृष्ण के हैं। उसमें से 8 शक्तियां जो है वो अंतरंगा शक्ति हैं, जिस तरह से कई तरह की शक्तियां हैं, लीला शक्ति है, आकर्षणी शक्ति है, स्थापनी शक्ति है, लादिनी शक्ति है, वियोगिनी शक्ति है, संयोगिनी शक्ति है, कई तरह की शक्तियां हैं। इसमें 3 शक्तियां एक प्रमुख शक्तियां हैं जो बिल्कुल राधा रानी के नियंत्रण में रहती हैं। और कौन कौन सी शक्तियां हैं? संयोगिनी शक्ति, लादिनी शक्ति, वियोगिनी शक्ति। ये 3 शक्तियां हैं जो राधा रानी के पूरे नियंत्रण में रहती हैं। तो ये 3 शक्तियों के बारे में थोड़ा सा बताएंगे। तो लादिनी शक्ति कौन सी है? वृषभानु नंदिनी, यानी कि वृषभानु महाराज की सुपुत्री जो है वो लादिनी शक्ति है। ये लादिनी शक्ति वृंदावनम परित्यज्य पादेकम न गच्छति, ये राधा रानी कभी वृंदावन छोड़कर नहीं जाएंगे, लादिनी शक्ति। लेकिन ये लादिनी शक्ति को कभी कभी विरह होता है, प्रवास यानी कि सेपरेशन बहुत अल्प समय के लिए। यानी कि उद्धव जी जब आते हैं वृंदावन आते हैं और कृष्ण का संदेशा लेकर आते हैं, भ्रमर गीत की जो लीला है, उस समय जो विरह उत्पन्न होता है, या राधा रानी सूर्य कुंड में इंतजार कर रही हैं, कृष्ण अभी तक पहुंचे नहीं हैं, या तमाल वृक्ष को देकर कृष्ण से विरह हुआ और तमाल के वृक्ष का ही आलिंगन कर लिया, तो ये सब लादिनी शक्ति राधा रानी है। और उसके बाद फिर दूसरा बताया संयोगिनी राधा रानी,
समय की राधा रानी पूरी तरह से समर्पित है, यानी कि राधा और कृष्ण का मिलन, पूर्ण मिलन, इसको कहते हैं समयोगिनी राधा रानी। और ये राधा रानी ही वास्तव में कुरुक्षेत्र जाती है, कुरुक्षेत्र जाती है। जब कुरुक्षेत्र सूर्य ग्रहण के दिन कृष्ण बलराम द्वारका से आते हैं और ब्रजवासी सभी जाते हैं और राधा रानी भी वहां जाती हैं, तो राधा रानी क्या कहती हैं कि मैं वही राधा हूं और वह वही कृष्ण है, और मुझे यहां रहकर क्या हो रहा है, वृंदावन का स्मरण हो रहा है, ये समझ में नहीं आया मुझे, मुझे तो वहां का स्मरण हो रहा है, श्रीधाम वृंदावन का स्मरण हो रहा है। तो राधा रानी और ब्रजवासी कृष्ण के उस ऐश्वर्य से आकर्षित नहीं हुए बल्कि बहुत दुखे हुए, ये क्या ये राजवेश है, कहां गया आपका गोप वेश, कहां गई आपकी वंशी, कहां गया आपका मोर मुकुट। द्वारकाधीश मोर मुकुट नहीं धारण करते हैं, वो वंशी नहीं बजाते हैं, बोले कहां गया आपका ये सब, मैं वही राधा हूं, आप वही कृष्ण है, मुझे यमुना जी का स्मरण हो रहा है, वृंदावन का स्मरण हो रहा है, ये क्यों हो रहा है ऐसा कि मुझे वहां का स्मरण हो रहा है। और इस भाव से वो रथ खींचने लगे, जगन्नाथ जी का रथ खींचने लगे, यानी कृष्ण बलराम सुभद्रा जी को खींचने लगे। तो ऐसे में भक्तिनोद ठाकुर कहते हैं कि मेरी इच्छा है कुरुक्षेत्र जाकर मैं भजन कुटीर बनाऊंगा ब्रह्म कुंड के पास। तो भक्ति सिद्धांत ठाकुर ने जब ये बोला भक्तिनोद ठाकुर ने, तो वो बड़े हैरान हो गए कि भक्तिनोद ठाकुर उनके पिताश्री ऐसा क्यों कह रहे हैं, उनको तो वृंदावन जाना चाहिए भजन करें, कुरुक्षेत्र क्यों जाना चाहते हैं। तो भक्तिनोद ठाकुर ने फिर वो समझ गया कि भक्तिनोद ठाकुर क्या कहना चाह रहे हैं, वो ये कहना चाह रहे हैं कि राधा रानी बड़ी असहाय अवस्था में है कुरुक्षेत्र में, कृष्ण को देखकर उनको बड़ा दुख हो रहा है, कृष्ण के सामने खड़े होकर भी वृंदावन का स्मरण हो रहा है, यमुना जी का स्मरण हो रहा है, वो खुश नहीं है उनके इस ऐश्वर्य को देखकर, तो उस समय उनको सांत्वना की आवश्यकता है, सेवा की आवश्यकता है, सर्विस नेसेसिटी। तो जहां सेवा होगी वहां पे मंजरिया जाएंगी, जहां सेवा होगी वहां भक्त जाएंगे। तो सेवा का बड़ा महत्व होता है, इसलिए जैसे उदाहरण के तौर पर एक व्यक्ति अगर व्यापारी की दुकान में खड़ा हुआ है और उसके पता चलता है घर में आग लग गई, तो क्या दुकान में खड़ा रहेगा वो, बोले घर में आग लगी है, चलो चलो घर में आग लग गई या घर में आग लगी, फायर ब्रिगेड को बुलाओ। तो इसी तरह से यही भाव भक्तिनोद ठाकुर प्रकट कर रहे हैं कि वहां देखिए फायर ऑफ सेपरेशन है, आग लग गई है राधा रानी के हृदय में, क्या होगा राधा रानी का, चलो चलो हम वहां जाके भजन कुटीर बनाते हैं, वहां हम सेवा करेंगे। तो जितनी भी गोपियां हैं, जितनी भी मंजरियां हैं, वो सब राधा रानी को सांत्वना देने के लिए कुरुक्षेत्र जा रहे हैं। ये है संयोगिनी राधा रानी। और जिस तरह से श्री चैतन्य महाप्रभु जगन्नाथपुरी गए, तो ये चैतन्य महाप्रभु कौन है, संयोगिनी राधा रानी। और नवदीप में जो चैतन्य महाप्रभु निमाई है, जो वो क्या है, लादनी शक्ति है। तो इस तरह से कई बातें हैं यहां पर समझने के लिए, संयोगिनी राधा और वियोगिनी राधा। सेपरेशन वियोग यानी कि बहुत लंबे समय का विरह, इंटेंस सेपरेशन, बहुत दूर प्रवास, यानी कि कृष्ण चले गए मथुरा, चले गए मथुरा जाके वहां से द्वारका चले गए, हमेशा यही कहते रहे कि वापस आऊंगा, अभी तक वापस नहीं आए, 100 साल बीत गए। तो राधा रानी को कितना विरह हुआ होगा, ब्रजवासियों को कितना विरह होगा, इसका अंदाजा हम लोग नहीं लगा सकते हैं। तो इस तरह से फिर क्या होता है, राधा रानी यमुना जी में जाती है एक दिन और यमुना जी में कूद जाती है, यमुना जी के समक्ष जाती है और यमुना जी को देखती है, अरे यमुना जी को देखकर उनको यमुना जी में ही साक्षात कृष्ण का दर्शन होता है कि यमुना जी भी वैसे ही हैं, कृष्ण का ही रंग है, कृष्ण की ही कांति है, यमुना जी काली कृष्ण भी काले, लेकिन यमुना जी सूर्य की पुत्री हैं, यमराज जी की बहन है। तो वहां पर जब बट यमुना जी विशाखा भी हैं, विशाखा जी की लिक्विड फॉर्म है यमुना जी, इसलिए विशाखा जब कूदती हैं तो यमुना जी निश्चित रूप से उनकी रक्षा कर लेती हैं कि स्वयं वही है। तो क्या होता है कि राधा रानी कूद जाती हैं सबसे पहले, तो राधा रानी जब कूदती हैं तो सारी सखियां गोपी आ जाती हैं, सब चिंता में लगी हैं। तो सूर्य देव की तो पूजा रोज करती हैं, राइट, और सूर्य देव ही राधा रानी के भक्त हैं जैसे हमने कथा में सुना। तो राधा रानी को सूर्य देव उठा लेते हैं और अपने लोक लेके चले जाते हैं, ट्रांसफर हो जाती है राधा रानी सूर्य लोक। और जब सूर्य लोक में जब पहुंचते हैं तो वहां क्या होता है, बोलते हैं आप चिंता क्यों कर रही हैं, आप तो सर्वेश्वरी हैं, आपके स्वामी यहां पर भी तो हैं, ये देखिए साक्षात सूर्य नारायण खड़े हैं, कितने सुंदर लगते हैं देखने में। बोलते हैं आप बुरा मत मानेंगे, सुंदर तो बहुत हैं लेकिन कृष्ण जितने सुंदर नहीं हैं। राधा रानी कहती है, बोलते हैं मेरी आपसे एक प्रार्थना है, राजा शत्रुजीत जो है बहुत समय तक मुझे खुश करने के लिए तपस्या कर रहे हैं और वो एक बेटी चाहते हैं, तो मेरी इच्छा है कि आप द्वारका में निश्चित रूप से प्रकट हों, द्वारका में प्रकट हों। तो राधा रानी कहती है ठीक है आपकी इच्छा प्रसन्नता के लिए मैं वहां प्रकट हो जाऊं। तो राधा रानी फिर द्वारका में प्रकट होती है सत्यभामा के रूप,
इस तरह से रूप गोस्वामी वर्णन कर रहे हैं। तो ये कौन है? वियोगिनी राधा रानी है। तो ये तीन तरह की राधा रानी है, यानी कि कृष्ण ही अपना विस्तार नहीं कर रहे हैं बल्कि राधा रानी भी अपना विस्तार कर रही है कृष्ण के साथ, इस तरह से इन तत्वों के साथ विस्तार कर रहे हैं। तो यहां पर एक बात और बताई जा रही है कि किस तरह राधा रानी कितनी प्रिय है। गर्ग संहिता में इसका वर्णन आता है, बहुत सुंदर कथा है, सुनिए। इसको कहते हैं हॉट मिल्क लीला, यह है गर्म दूध की लीला। गर्म दूध पीते हैं हमारे भक्त लोग, पीते हैं रात्रि को सोने से पहले। ये ट्रेडिशन है इसको उनका कि रोज सोने से पहले या तो कृष्णा बुक पढ़ें या फिर साथ साथ कृष्णा बुक पढ़ें और गर्म दूध भी साथ साथ पिए। प्रभुपाद जी ने इंट्रोड्यूस किया कि रोज रात को सोने से पहले कृष्णा बुक पढ़िए और सब गर्म गर्म दूध पिए। इत्तेफाक से यहाँ भक्तों को बहुत सुंदर स्वादिष्ट गाय का दूध मिलता है, तो दूध पीते हैं भक्त लोग। तो ये गर्म दूध की लीला है, गर्ग संहिता में दिया है। तो एक बार राधा रानी को बहुत दुख हुआ कि कृष्ण से मिलन ही नहीं हो पा रहा है। कब वो समय आएगा कि कृष्ण इतने समय तक चले गए, मथुरा चले गए, द्वारका चले गए, वापस कब आएंगे पता नहीं चल रहा है। तो किसी गोपी ने उनको सुझाव दिया कि आप जाइए सिद्धाश्रम में जाइए, सिद्धाश्रम द्वारका के निकट है, आप वहां जाएंगे ना तो वहां जाकर आप स्नान करेंगे तो निश्चित रूप से आपको कृष्ण मिलेंगे और कृष्ण कभी आपको फिर छोड़ के नहीं जाएंगे। अच्छा, बहुत अच्छी बात है। तो राधा रानी चल पड़ी गोपियों के साथ, समस्त गोपियों के साथ चल पड़े और गोप सखा भी चल पड़े उनकी रक्षा के लिए। द्वारका पहुंच गए, द्वारका जब पहुंचे तो वहां जब स्नान करने गए तो वहां द्वारका की महिषियां भी आई हुई थी। तो द्वारका की महिषियां जब पहुंची थी उन्होंने कहा ये सब कौन है, इतनी सारी गोपियां यहाँ पर आई हैं, ये तो सब ग्वालिनी लगती हैं और ग्वाले लगते हैं, कहाँ से आए हैं सब। और देख कर सब स्तब्ध सी हो गई। तो उन्होंने पूछा कृष्ण से ये सब कौन है आप जानते हैं? बोलते हैं हाँ हाँ ये सब गोपियां हैं और ये राधा रानी है, ये राधा रानी बहुत प्रिय है मुझे, सबसे प्रिय है। फिर द्वारका की महिषा सोचने लगी, रुक्मिणी सोचने लगी, फिर हम कौन है फिर? बोले राधा रानी इनके लिए सबसे प्रिय है तो हम सब कौन है, ये पटरानियां द्वारका में क्या कर रही है महिषिया? तो बोलते हैं अच्छा तो मैं थोड़ा निकट में जाके देखती हूँ, रुक्मिणी जी ने कहा। तो रुक्मिणी जी बहुत निकट में जाके देखी, जब राधा रानी को देखकर तो मूर्छित हो गए उनकी सुंदरता को देखकर, उनको लगा कि मैं ही सबसे सुंदर हूँ, लेकिन राधा रानी की सुंदरता को देखकर रुक्मिणी जी भी मूर्छित हो गई। उसके बाद उनको निमंत्रण दिया, आप चिंता मत करिए रात्रि का समय अब हमारे द्वारका के महलों में बिताएं। तो फिर समस्त गोपियों को द्वारका में लाया गया और महल में उनको निवास मिला। तो कृष्ण हमेशा राधा रानी की चिंता कर रहे हैं और राधा रानी का स्मरण कर रहे हैं। रुक्मिणी जी आज शैया में भी लेटे हैं तो राधा रानी के बारे में बार बार बोल रहे हैं, गोपियों का नाम ले रहे हैं। तो रुक्मिणी जी को समझ में नहीं आया कि क्या कारण है कि इतना राधा रानी के बारे में इतना क्यों चिंता करते हैं। तो कृष्ण ने कहा कि राधा रानी विश्राम कर चुकी हैं और सखियां विश्राम कर चुकी हैं। हाँ लेकिन राधा रानी तो हाँ सब सो चुके हैं। कृष्ण ने कहा नहीं, राधा रानी को नींद नहीं आई, वो सोई नहीं है अभी तक। लेकिन राधा रानी सोई नहीं, ऐसे कैसे हो सकता है? अभी तो हमने देखा कि बस सब सो चुके हैं। नहीं आप जाके देखिए आइए, राधा रानी सोई नहीं है। अरे क्यों नहीं सोई है? आपको भी नींद नहीं आ रहा इस वजह से? आप भी? हाँ मैं, मुझे भी नींद नहीं आ रहा इसी वजह से क्योंकि राधा रानी नहीं सोई है। तो उन्होंने कहा कि इसका कारण जानते हो क्या है? कि आपने उनको गरम गरम दूध नहीं पिलाया। आप उनको गरम गरम दूध पिलाएंगे तो वो सो जाएंगे। अच्छा, तो रुक्मिणी जी गए और दूध स्वयं दूध गरम किया उन्होंने, चीनी डाला उसमें, मिश्री डाली और उसको उबाला खूब तेजी से, बहुत ज्यादा गरम कर दिया, इतना गरम कर दिया, इतना गरम कर दिया, खोलता हुआ एकदम से, और उसको पकड़ने ऐसे से पकड़ के लेके आए और फिर राधा रानी के समक्ष रखा। और राधा रानी का बहुत बहुत धन्यवाद, आपने ये सेवा की, आपसे सेवा लेना ठीक नहीं है। लेकिन नहीं नहीं आप ये दूध पीजिए, आपके लिए है, द्वारकाधीश ने भेजा आपके लिए। अच्छा ठीक है ठीक। तो राधा रानी जो है पीने लगी धीरे धीरे कर, बहुत गर्म था और उनका मुंह जलने लगा, उनकी जीवा जलने लग गई और जलते 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 वो दूध भीतर चला गया। और यहाँ रुक्मिणी जी जो है कृष्ण के चरणों का मसाज कर रही है, तो कृष्ण के चरणों का मसाज करने लगी तो क्या देखा उनके चरणों के नीचे, उनके चरण जल गए हैं। बोलते आपके चरण कैसे जल गए, आप तो यहाँ विश्राम कर रहे हैं, आपके पांव कैसे जल गए? तो कृष्ण ने कहा कि मेरे पांव जल गए जानते क्यों? क्योंकि राधा रानी ने इन चरण कमलों को अपने हृदय में धारण करके रखा है। आपने गरम गरम दूध पिलाया ना, जानते हैं उनका, आपने ये नहीं देखा कि कम गर्म है या बहुत गर्म है, बहुत गर्म दूध पिला दिया आपने, उनका मुंह भी जल गया और मेरे चरणों को क्योंकि उन्होंने धारण किया हुआ है इसलिए मेरे चरण भी जल गए, देखिए। तो इस तरह से कृष्ण जो है राधा रानी का गुणगान कर रहे हैं कि कैसे राधा रानी ने मेरे चरणों को हमेशा सदैव अपने हृदय में धारण किया हुआ है। तो इस तरह से जो है, लेकिन एक बार क्या हुआ, एक कथा और भी आती है
जिसमें ये शुरुआत की दुनिया, शुरुआत के दिनों में जब राधा और कृष्ण कभी मिलन हुआ नहीं था, प्रारंभ के समय पूर्व राग जिसको कहते हैं, यानी कि इनिशियल अटैचमेंट, तो इस पूर्व राग के समय राधारानी की बड़ी इच्छा हुई वो कृष्ण से मिलना चाहते, और उन्होंने सखियों को भी कहा कि कब वो समय आएगा कि मैं राधारानी क्या सोचने लगी, वो प्रार्थना करने लगी कब वो समय आएगा कि क्या मैं कृष्ण से मिल पाऊंगी और रासलीला में भाग ले पाऊंगी। तो वो बड़ी चिंता कर रही थी। पूर्व राग, पूर्व राग का मतलब होता है मिलने से पहले ही राग हो जाता है, अटैचमेंट डेवलप हो जाता है, तो उसको पूर्व राग कहते हैं। तो ने कहा आप चिंता मत करिए, एक सखी ने कहा कि आप तुलसी महारानी से प्रार्थना करो, तुलसी महारानी बड़ी कृपालु हैं, आप उनसे प्रार्थना करेंगे वरदान देंगी आपको। तो तुलसी महारानी से प्रार्थना की, तुलसी महारानी प्रकट हुई, और तुलसी महारानी जब प्रकट हुई तुलसी महारानी ने उनको वरदान दिया, जल्द ही आपका कृष्ण से मिलन होगा। तो राधारानी बड़ी खुश हुई, लेकिन समय बीता गया, कई दिन बीते गए, कई महीने बीते गए, कुछ नहीं हुआ, कुछ होया ही नहीं। तो राधारानी बहुत विरह के कारण जो है वो मूर्छित अवस्था में ही चले गए थे। तो गोपियों ने जाकर कृष्ण को कहा कि आप जानते हैं कि एक गोपी आपसे बड़ा प्रेम करती हैं और आपसे मिलना चाहती हैं, आप जानते हैं ना उनको? मैं जानता हूं, कृष्ण थोड़ा सा परीक्षा लेने के लिए, मैं जानता हूं, शायद मुझे पता नहीं कि मैं जानता हूं। तो गोपी ने जाकर राधारानी को कहा कि वो क्या तो कह रहे हैं कि शायद आपको जानते नहीं है या पक्का नहीं है, जानते भी कि नहीं जानते हैं। तो राधारानी को मुझे जानते ही नहीं है, फिर रासलीला तो दूर की बात है, मिलन तो दूर की बात है। तो राधारानी और ज्यादा मूर्छित हो गई, और ज्यादा दुखी हो गई। तो फिर उसके बाद फिर कृष्ण ने कहा ठीक है मैं स्वयं जाके मिलूंगा, अब बहुत ज्यादा इनको जो है दुखी कर दिया मैंने। तो कृष्ण ने गोपी का स्वरूप धारण किया और स्त्री का वेश, यानी कि गोपी का स्वरूप धारण किया, और वहां पे गए, निकुंज में गए। तो गोपी ने कहा से आए, कौन हो आप? बोले मैं नंद गांव से आई हूँ, नंद गांव की गोपी हूँ। अच्छा ठीक आई। तो वहां जब आए, अंदर आए, तो कृष्ण ने कहा कि आप कहाँ से हो, देखने में तो बहुत सुंदर हो। बोले मैं नंद गांव से हूँ, नंद गांव की गोपी हूँ, और आप ही से मैं मिलने आई हूँ। और आकर क्या करने लगी, राधारानी के सामने कृष्ण की शिकायत करने लगी कि कृष्ण ऐसे हैं, कृष्ण वैसे हैं, उसने ऐसा किया है, उसने वैसा किया है, वो चोरी करता है, कुछ करता है, बहुत सारे कंप्लेंट सुना है। तो राधारानी से सहा नहीं गया, राधारानी कहा नहीं नहीं कृष्ण बहुत अच्छे हैं, ऐसा क्या कह रही हो, तुम झूठ बोल रही हो, कृष्ण बहुत अच्छे हैं, जानते हैं वो परम भगवान श्री कृष्ण है, ही इज द सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉड हेड, आप उनके बारे में ऐसा नहीं कह सकती हैं। तो उसके बाद फिर राधारानी ने फिर से प्रार्थना शुरू किया कि कृष्ण आप जल्दी आइए, ये सब क्या हो रहा है मुझे समझ में नहीं आया। तो फिर कृष्ण से रहा नहीं गया, कृष्ण से भी, कृष्ण ने कहा कि मैं तो आ गया हूं, देखो। बोले ये क्या, ये गोपी की आवाज बदल कैसे गई? तो वो गोपी कहते देखो मैं तो आ गया हूं। तो जितनी वहां गोपियां थी, जब देखा कृष्ण की आवाज सुनी, राधारानी को छोड़कर सारी गोपियां मूर्छित हो गई, यानी कि राधा और कृष्ण को एक साथ मिलने का मौका मिल गया। तो इस प्रकार, ये इस प्रकार की कथाएं हैं हमारे शास्त्रों में, बहुत सुंदर सुंदर बातें बताई गई हैं राधारानी के बारे में। तो राधारानी भगवान की अंतरंग शक्ति है, और इस अंतरंग शक्ति का जो आश्रय लेता है वो कभी भी भक्ति से च्युत नहीं होता है, क्योंकि वास्तव में जो आनंद हमें मिलता है, जो भक्ति में जो आनंद मिलता है, वो वास्तव में राधारानी है, राधारानी शक्ति ही वास्तव में हमारे हृदय में प्रवेश करती है, उसी को ही भक्ति कहते हैं। यानी जो भक्ति देवी हैं बेसिकली वो राधारानी की विस्तार है। इसलिए वास्तव में जब प्रचार करते हैं तो हम एक्चुअली राधारानी की महिमा का प्रचार कर रहे हैं। हमारी संस्था का नाम है इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्णा कॉन्शियसनेस। ये किसका कॉन्शियसनेस है? ये राधारानी का कॉन्शियसनेस। अगर कहते हैं इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर राधा कॉन्शियसनेस, तो ये किसका कॉन्शियसनेस है? ये कृष्णा कॉन्शियसनेस। ये किसका कॉन्शियसनेस है? ये राधारानी का कॉन्शियसनेस, कृष्णा कॉन्शियसनेस। तो हम लोग बिल्कुल सही जगह में है, क्योंकि हम राधारानी के साथ में है, राधारानी के पक्ष में है, और राधारानी क्या है? फुली कृष्णा कॉन्शियस। तो इसलिए प्रभुपाद ने बिल्कुल सही नाम दिया है। तो इस तरह राधारानी जो है आज प्रकट हुई है, उनका आविर्भाव दिवस है, और बरसाना में बहुत सुंदर अभिषेक होता है, और हमारे इस्कॉन के सभी मंदिरों में बहुत सुंदर अभिषेक होता है। 3-4 साल लगातार हम बरसाना में भी थे, अष्टमी के दिन, सप्तमी के दिन रात्रि, पूरी रात्रि हम लोग बरसाना में थे, छत में बैठे थे और नीचे कीर्तन चल रहा था, अलग अलग टोलियां आती है। सुबह ठीक 5 बजे वहाँ एक बहुत ही अद्भुत दृश्य होता है देखने के लिए। 5 बजे जैसी अभिषेक शुरू होता है, उसी समय ऊपर से बरसात शुरू होती है, तेज बरसती है, बहुत तेज वर्षा होती है, और वर्षा इतनी होती है जैसी अभिषेक समाप्त हो जाता है बरसात बंद हो जाती है। आप हर साल जाइए, हर साल आपको ये एक्सपीरियंस होगा, अनुभव होगा। तो इस तरह से
बरसाना धाम, वास्तव में हम तो यही मानते हैं, अधिकांश भक्त मानते हैं रावल, हालांकि उनका जन्म स्थान है इस युग में, लेकिन आप किसी भक्त से पूछे राधा रानी का कौन सा जन्म स्थान है तो वो बरसाना ही बताए। तो बरसाना बड़ा विशेष स्थान है राधा रानी का, और वहाँ भी हमारे भक्त लोग जाते हैं, हालांकि अभी वहाँ इस्कॉन का कोई मंदिर नहीं है, लेकिन उम्मीद है कि आने वाले समय में बरसाना में भी हमारा इस्कॉन का सेंटर होगा। है वो श्रीमती राधा रानी की, श्रीमती राधा रानी आविर्भाव तिथि महामहोत्सव की, श्री श्री राधा अष्टमी की, गौर प्रेमानंद। अभी 10:30 बजे अभिषेक है वहाँ पर, तो आप सब उपस्थित होइए। और हाँ, आज शाम को भी बहुत सुंदर कार्यक्रम है 6:30 बजे ऑडिटोरियम में, कृष्ण कर्णामृत और शायद गीत गोविंद के ऊपर आधारित जो है नृत्य नाटिका है, उसमें बहुत सुंदर कुछ कलाकार भक्त आए हुए हैं, और आपको एक बरसाना के ऊपर भी वीडियो दिखाया जाएगा, बरसाना धाम का दर्शन कराया जाएगा आपको आज ऑडिटोरियम में, तो पहुँचेगा। हरे कृष्ण।